साई मेकपन स्पोर्ट्स लाइव प्रस्तुत एसएमएस फ्रेंडशिप कप 2024 छठा मैच क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल बनाम बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन अंतिम लीग मैच है। नेपाल टीम ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है और बड़ौदा टीम ने उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन आज एक बार फिर से मौका है बड़ौदा के पास कि अपने आप को साबित करे। भले ही ये टूर्नामेंट उतना अच्छा गया नहीं है, लेकिन आज एक जीत दर्ज करते हुए इस टूर्नामेंट को हाई नोट पर ज़रूर समाप्त करने का प्रयास रहेगा बड़ौदा के खिलाड़ियों का। टॉस बड़ौदा के कैप्टन ने जिताया जो और बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। ये पहली मर्तबा देखने को मिला है इस एसएमएस फ्रेंडशिप कप 2024 में कि किसी कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी है। दोनों टीमों में काफ़ी चेंजेस आज देखने को मिल रहे हैं। बड़ौदा की टीम में दो चेंजेस, लक्षित तोक्सी आए हैं टीम में, साथ में ध्रुव पटेल को भी आज एक बार फिर से टीम में शामिल किया गया है। बाबा खान बाहर गए हैं और एक और खिलाड़ी जो टीम से बाहर है। नेपाल की यदि हम बात करें तो चार चेंजेस किए गए हैं। करण केसी एक बार फिर से टीम में शामिल किए गए हैं, फ्रंटलाइन बॉलर जिन्होंने दो मैचेस में 6 विकेट्स चटकाए हैं। कल के मैच में नहीं खेले थे, लेकिन आज एक बार फिर से टीम में शामिल किए गए हैं। साथ में आकाश चांद अपना पहला मुकाबला खेलने वाले हैं इस ट्राई सीरीज में। ललित मारियन राजवंशी को भी पहली मर्तबा मौका दिया गया है। दीपेंद्र सिंह ऐरी की वापसी हुई है टीम में और आज कप्तानी भी कर रहे हैं दीपेंद्र सिंह ऐरी, क्योंकि कप्तान रोहित पौडेल को विश्राम दिया गया है। बड़ौदा टीम इस मुकाबले में निश्चित रूप से अपने प्राइड के लिए खेलने वाली है। ये दर्शाने का मौका है बड़ौदा के खिलाड़ियों के पास कि उनके अंदर भी काफ़ी टैलेंट है और अच्छा क्रिकेट बड़ौदा भी ज़रूर पेश कर सकता है। वैसे पैचेस में अच्छा खेले ज़रूर है। इससे पहले जो सीरीज़ का तीसरा मैच खेला गया था इन दो टीमों के बीच में, वहाँ पर बड़ौदा टीम ने शुरुआत काफ़ी अच्छी की थी, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग की थी और 15 ओवर्स तक तो नेपाल टीम को दबाव में रखा था, लेकिन आखिर के 5 ओवर्स में कुशल मल्ला का बल्ला बोला था और आखिरकार 150 प्लस टोटल नेपाल ने खड़ा किया था, उसको डिफेंड भी किया गया था। बल्लेबाजी कहीं ना कहीं थोड़ा चिंता का विषय बड़ौदा के लिए ज़रूर रहा है। आज पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया गया है टॉस जीतने के बाद। हेलो 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 तो खेल की शुरुआत होने वाली है। सलामी बल्लेबाज मैदान में प्रवेश करते हुए अमित पासी अभी तक लंबी पारी नहीं खेल पाए हैं। आज यहाँ पर ज़रूर चाहेंगे कि अपने बल्ले से जौहर दिखाए। अमित पासी के साथ प्रियांशु मौलिया कल बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी, 29 रन बनाए थे उन्होंने और ये नेपाल की टीम। करण केसी
नई गेंद का बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल किया है उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में। पहले दो मैचेस में काफ़ी सफल साबित हुए हैं, पिछले मैच में आराम दिया गया था लेकिन आज एक बार फिर से टीम में वापसी हुई है। आकाश चांद को मौका दिया गया है और मुझे लगता है कि नई गेंद का इस्तेमाल करेंगे शायद करण केसी के साथ। सोमपाल कामी को आज विश्राम दिया गया है। अनिल कुमार साहब विकेटकीपर की भूमिका अदा करेंगे नेपाल के लिए। नेपाल टीम को भी हालांकि चुनौतियां मिलती रही है। बड़ौदा के गेंदबाजों ने पहले मैच में काफ़ी चुनौतियां पेश की थी और लगभग 15 ओवर्स तक दबाव बनाए रखा था लेकिन आखिर के जो 5 ओवर्स थे वहां पर कुशल मल्ला ने बहुत ही धुआंधार बल्लेबाजी की थी और नेपाल टीम को एक अच्छे टोटल तक पहुंचाया था। उसके बाद नेपाल की गेंदबाजी तो कमाल की रही है पूरे टूर्नामेंट में। हालांकि गुजरात के विरुद्ध जो मुकाबला हुआ था वहाँ पर 181 रन्स बनाने के बावजूद भी काफ़ी पसीना बहाना पड़ा था नेपाल के गेंदबाजों को। आज हवा का जो रुख है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ नज़र आ रहा है, तेज़ गति से हवाएं बह रही है 45 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। मोंटी देसाई हेड कोच है नेपाल के और उनके मार्गदर्शन में निश्चित रूप से नेपाल टीम बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन कर रही है। T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई हो चुकी है, आने वाले समय में आप देखोगे इसी साल जो होने वाला है T20 विश्व कप, तो ये बहुत ही बड़ी बात है नेपाल क्रिकेट के लिए और नेपाल के फैंस के लिए। एक स्लिप तैनात की गई है, करण केसी पहला ओवर लेकर तैयार होते हुए। विकेटकीपर बैट्समैन अमित पासी के पास स्ट्राइक। नॉर्थ एंड से गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए करण केसी, मैच नंबर 6 की शुरुआत। पहली गेंद और पहली गेंद स्टंप्स पर, पहली गेंद पर सिंगल, खाता खुलता हुआ अमित पासी का, खाता खुलता हुआ बड़ौदा का। पहली बार यह हुआ है इस ट्राई सीरीज में कि किसी कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी है। आज जो तेज़ हवाएं बह रही है देखना है उसका कितना असर पड़ता है खेल पर, परिस्थितियों का आबोहवा का ज़रूर असर पड़ता है क्रिकेट के खेल पर। पहले 5 मैचेस में इतनी ज़्यादा तेज़ हवाएं नहीं बह रही थी, आज एक तरह से तूफानी हवाएं बह रही है। बड़ौदा टीम ने पहले बल्लेबाजी चुनी है तो निश्चित रूप से यहाँ पर तेज तर्रार शुरुआत देने का प्रयास भी हो सकता है सलामी बल्लेबाजों द्वारा। बेहतरीन गेंद, गलत लाइन पर खेल बैठे और क्लीन बॉल्ड, ऊपर डाली हुई गेंद थी, हल्की सी स्विंग हुई और गेंद के लाइन के बाहर बल्ला था, बैट और पैड के बीच में से गेंद स्टंप्स पर जाकर टकराई है। प्रियांशु मौलिया गोल्डन डक पर आउट होकर पवेलियन में लौटते हुए। काफ़ी निराश और हताश होकर पवेलियन में लौटते हुए, मायूस होकर पवेलियन में लौटते हुए प्रियांशु मौलिया पहली गेंद का सामना किया और वो गेंद इतनी सटीक थी कि बल्लेबाज चाहकर भी अपना विकेट नहीं बचा पाए। फुल एंड स्ट्रेट, देखिए बल्ला ऑफ स्टंप की लाइन के थोड़ा सा बाहर है और गेंद ऑफ और मिडिल स्टंप के बीच में जाकर टकराई है वहां पर। हवा में हल्की सी स्विंग हुई थी गेंद। जबरदस्त शुरुआत एक बार फिर से करण केसी द्वारा, ये 7वीं सफलता प्राप्त की है करण ने, तीसरा मुकाबला खेल रहे अपना इस सीरीज में। इससे पहले कि बल्लेबाज कुछ समझ पाते उनका काम तमाम हो चुका था। नए बैट्समैन मोहित मोंगिया तीसरे नंबर पर बड़ौदा के लिए। मोहित को भी लगातार मौके दिए जा रहे हैं और अभी तक हालांकि उनके बल्ले से भी ज्यादा रन्स निकले नहीं है। काफी चैलेंजिंग रहने वाला है, जिस तरह से
करण की इसी ने शुरुआत की है उसको देखते हुए बल्लेबाजों के लिए डगर बिल्कुल भी आसान होने वाली नहीं है, खासतौर पर पहले कुछ ओवर्स में। और ये तो खासियत रही है इस ग्राउंड की कि यहाँ पर शुरुआती ओवर्स में गेंद स्विंग होती है। सोच रहे थे कि और ज़्यादा गेंद बाहर निकलेगी टप्पा पड़ने के बाद, लेकिन बैट और पैड के बीच में से निकली और सीधे स्टंप्स की तरफ। ओहो, बाल बाल बच गए इस दफा। एक और खूबसूरत गेंद, आज काफी ज्यादा आगे गेंदबाजी की जा रही है। हाफ वॉलीज डाल रहे हैं लेकिन गेंद हिल रही है। फ्रंट फुट पर आकर ड्राइव करने का प्रयास था। देखिए हल्की सी अंदर की तरफ आई थी इस बार, और जिस तरह से मौलिया को हमने देखा था वो भी कहीं ना कहीं शायद आउट स्विंगर के लिए ही खेल रहे थे, लेकिन टप्पा पड़ने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई थी। इस बार अच्छा खेला है, हल्का सा लेंथ में बदलाव किया था, अब की बार थोड़ा सा पीछे रखा था। अच्छी सोच होती है किसी भी तेज बॉलर की जब वो पहला या दूसरा ओवर करते हैं, नई गेंद से गेंदबाजी करते हैं, कि गेंद को आगे डाले। ये देखना बहुत ही ज़रूरी होता है कि आप आगे डालकर गेंद को स्विंग करा सकते हो या नहीं, हवा में स्विंग है या नहीं। और यहाँ पर गेंद स्विंग हो रही है, और जब गेंद स्विंग होती है तो फिर बल्लेबाजों के लिए दुश्वारियाँ पैदा ज़रूर होती है, और ऊपर से आपकी लाइन यदि अच्छी है तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल किसी भी बैट्समैन के लिए। फिर से काफ़ी अच्छी लाइन, लेकिन इस बार बढ़िया तरीके से उसको जाने दिया विकेट कीपर के पास। सफल ओवर समाप्त होता हुआ करण केसी का, पहले ओवर के बाद एक पर एक बड़ौदा। गुजरात से सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम बड़ौदा, एक स्लिप के साथ आकाश इस बार पंच किया लेकिन सीधे फील्डर की तरफ, डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। दो ओवर के बाद केवल चार रन। चार पर एक, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों का कहीं ना कहीं असफल होना ही एक बहुत बड़ा कारण है बड़ौदा के लिए कि टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई है और अभी तक एक भी मुकाबला जीत नहीं पाई है। कल प्रियांशु ने अच्छे शॉट्स खेले थे, लेकिन आज पहली गेंद उनको बहुत ही ज़बरदस्त गेंद मिली करण केसी की और क्लीन बोल्ड आउट हुए। लगातार गेंदों को आगे रखते हुए करण केसी इनसाइड एज लगाए इस दफा। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, बहुत ज्यादा प्रभावशाली गेंदबाजी करण केसी की रही है। एक और लाजवाब गेंद इस बार बाहर की तरफ स्विंग हुई थी, लहराव देखने को मिल रहा है करण केसी की गेंदों में। बहुत ही बढ़िया सीम पोजीशन, स्लिप की दिशा में सीम, टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद। ड्राइव करने का प्रयास किया था लेकिन गेंद के लाइन में जाए बगैर खेलने की कोशिश वहां पर अमित पासी द्वारा। अटैकिंग बैट्समैन है अमित, लेकिन अभी तक समस्या यही रही है कि ज़्यादा देर तक वो क्रीज पर टिक नहीं पाए हैं।
डिप पॉइंट पर एक खिलाड़ी है उनके लिए और एक लॉन्ग लेग, इस बार थोड़ा पीछे रखा था। अच्छा सिंगल बैकफुट पर जाकर खेला था, गेंद को दिशा दिखाई थी। ओवर थ्रो का फायदा उठाना चाहते थे लेकिन आखिरकार एक ही रन से संतुष्ट हुए हैं बल्लेबाज। शेकी स्टार्ट है बड़ौदा के लिए टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करते हुए। पहले बल्लेबाजी करने का कारण यह भी हो सकता है कि शायद जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा मुझे लगता है कि विकेट और थोड़ा सा स्लो होता जाएगा, स्पिनर्स के लिए खास तौर पर यहाँ पर मदद हो सकती है। बढ़िया शॉट इनफील्ड के ऊपर से इस बार खूबसूरती के साथ निकाल दिया है, वाइड लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, चार रन। बहुत ही अच्छा शॉट इस बार, शरीर का संतुलन जबरदस्त था, हालांकि ऑन द राइज खेला था, विकेट के बाउंस को ट्रस्ट करते हुए इस दफा मिड ऑफ के ऊपर से मोहित के बैट से ये पहला चौका इस मुकाबले का, होमी सोल प्राइवेट लिमिटेड चौका। इस बार पहले ऐसे लगा कि पुल करेंगे शायद गेंद को लेकिन अंतिम क्षणों में छोड़ दिया उसको विकेट कीपर के लिए। वैसे भी गेंद ज़्यादा शॉर्ट नहीं थी और यदि पुल करने का प्रयास करते तो शायद वहाँ पर दिक्कत में आ सकते थे, लेकिन आखिर तक देखते रहे थे गेंद को कि गेंद क्या कर रही है और वहाँ पर स्ट्रोक ना खेलना ही मुनासिब समझा मोहित ने। इस ट्राई सीरीज का फाइनल मुकाबला सुपर संडे को खेला जाएगा। विकेट टू विकेट गेंद इस बार रक्षात्मक तरीके से खेलते हुए, छह रन आए इस ओवर से, तीन ओवर के बाद 10 पर 1। आज का विकेट देखिए, पहले दो तीन जो मैचेस हुए थे वहां पर हरी घास विकेट पर नजर आ रही थी लेकिन ये बिल्कुल ड्राई विकेट नजर आ रहा है। थोड़ी बहुत घास जरूर है लेकिन सूखी घास है, लेकिन अभी तक बढ़िया गेंदबाजी रही है पहले तीन ओवर्स में नेपाल के गेंदबाजों द्वारा। करण केसी खास तौर पर काफ़ी खतरनाक नज़र आए हैं, आकाश चांद ने एक ओवर किया है और अनुशासन उनकी ओर से भी देखने को मिला है, थोड़े अनलकी रहे, पहले ओवर में उनको विकेट मिल सकता था, कैच ड्रॉप हुआ। देखिए यहाँ पर आपको विकेट ज़्यादा सूखा नज़र आ रहा है और कई ऐसे स्पॉट्स है जहाँ पर घास बिल्कुल भी नहीं है और वहाँ से गेंद टर्न हो सकती है। इस बार हवा में खेल दिया है, फील्डर पीछा करते हुए गेंद का, दो दो खिलाड़ी प्रयासरत थे लेकिन फील्डर से दूर खेला था इनफील्ड को क्लियर करते हुए, हालांकि मिस टाइम हिट था ये लेकिन फील्डर को क्लियर करने में कामयाब रहे इनफील्ड के ऊपर से दो रन। बड़ौदा टीम को अपने आप को साबित करना है इस प्रतियोगिता में, अभी तक जरूर पैचेस में अच्छी खेली है ये टीम लेकिन पूरी तरह से जो कहते ना कि 100% देना चाहिए वैसा प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है, कुछ खामियां जरूर रही है। यहाँ पर रन वैसे होना नहीं चाहिए था लेकिन ओवरथ्रो के जरिए सिंगल मिला है। खैर अब खोने के लिए तो कुछ भी नहीं है बड़ौदा को, और ऐसे में खुलकर भी आप क्रिकेट खेल सकते हो। बाहरी किनारा
लेकिन स्लिप में आपकी बार फील्डर नहीं है, गली से निकाल दिया था डीप थर्ड मैन की तरफ, वहाँ पर फील्डर मौजूद, एक ही रन मिलेगा मोहित को। आज परिस्थितियों में काफ़ी बदलाव हुआ है, आज हवाएं ज़्यादा तेज़ गति से बह रही है मैदान के ऊपर से। सूर्य देवता बिल्कुल प्रसन्न है, आज शुरुआत भी थोड़ी जल्दी हुई है, 12:30 बजे स्थानीय समयानुसार खेल की शुरुआत हुई है, और इससे पहले जो मैचेस हमने देखे वो 2:30 बजे शुरू हो रहे थे, तो 2 घंटा पहले मुकाबला शुरू हुआ है। तेज सिंगल ठीक तरह से खेल तो नहीं पाए थे, लेकिन लेग 22 का ये रन चुराने में कामयाब रहे बल्लेबाज। पहले ओवर में विकेट गिरा, दूसरी गेंद पर प्रियांशु मौलिया साफ बोल्ड आउट हुए। करण केसी की गेंद पर अमित पासी को जीवन दान मिला है, उसका कितना लाभ उठाएंगे ये देखने वाली बात है। अभी तक उतने ज़्यादा आश्वस्त नज़र आए नहीं है विकेट पर, सिर्फ 6 रन बना पाए हैं, 12 गेंदों का सामना किया है। मोहित ने एक चौका जड़ा है 7 पर बल्लेबाजी करते हुए, और हल्की सी बाहर की तरफ निकली थी गेंद, और अधूरे मन से खेलने का प्रयास वहां पर, अधूरे मन से आप कुछ भी क्यों ना करो उसमें सफलता मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। आधे अधूरे शॉट्स खतरे से खाली नहीं होते। आधा अधूरा ज्ञान भी खतरे से खाली नहीं होता है। नीम हकीम खतरा ए जान। एक और अच्छा ओवर अभी तक आकाश चांद का, इस बार बहुत ही बढ़िया तरीके से पुल कर दिया है, 4 रन मिलेंगे यहां पर मोहित को। बहुत जल्दी गेंद की लेंथ को रीड करते हुए बैकफुट पर जाकर पुल किया, हल्की से अंदर की तरफ आती हुई गेंद थी, और बहुत छोटी गेंद भी नहीं थी, लेकिन ज़रूर समय था बैट्समैन के पास, लेंथ को जल्दी पढ़ लिया था, उस वजह से कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छे पोजीशन में आकर पुल शॉट खेला वहाँ पर मोहित ने, दूसरा चौका मोहित के बल्ले से। 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और अब गेंदबाजी में पहला परिवर्तन नेपाल की ओर से, गुलशन झा आक्रमण पर आते हुए, एक और सफल बॉलर इस ट्राई सीरीज में। उद्घाटनीय मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे, 4 विकेटें चटकाई थी, उसके बाद भी जो मुकाबले खेले गुलशन ने प्रभावित किया है अपनी गेंदबाजी से। नॉर्थ एंड से अपना ओवर शुरू करते हुए गुलशन, पहली गेंद ऊपर डाली है और निकाल दिया है गैप में, अच्छा शॉट है, लंबा चेस फील्डर के लिए, लेकिन अच्छा क्षेत्ररक्षण करण केसी द्वारा, 2 रन जरूर यहां पर मिलेंगे। 100% टाइमिंग नहीं थे वैसे देखा जाए तो, गैप जरूर ढूंढा था अमित पासी ने। गुलशन ने भी कोशिश की कि पहली गेंद आगे डाली जाए और गेंद को स्विंग कराया जाए, लेकिन इस गेंद में कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिली, और ख़ास तौर पर यही देखा गया है कि पहले 4-5 ओवर में ही ज़्यादातर गेंद स्विंग हुई है, उसके बाद उतनी ज़्यादा मूवमेंट गेंदबाजों को मिली नहीं है। निकल के मारा इस बार हवा में गेंद, मिड ऑफ के खिलाड़ी गेंद का पीछा कर रहे एक बार फिर से करण, लेकिन अब की बार मौका नहीं, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन।
इस बार भी बल्ले के बीचों बीच पूरी तरह से ले नहीं पाए थे, लेकिन पावर प्ले का लाभ उठाते हुए अमित पासी मिड ऑफ को क्लियर किया है। आगे निकले थे, गेंद थोड़ी सी पीछे रखी हुई थी, लेकिन आपने आपको रोका नहीं वहां पर, बड़ा शॉट खेलने से अमित पासी ने, हाथ खोलते हुए अमित पासी इस बार अच्छे कंट्रोल के साथ खेले हैं। बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर फील्डर मौजूद है सर्कल के अंदर, सिंगल मिलेगा। और बहुत देर आप खामोश भी तो नहीं रह सकते, वो T20 क्रिकेट में बतौर बल्लेबाज आपको तेज गति से रन बनाने होते हैं, वो एक अलग प्रकार की जिम्मेदारी रहती है बल्लेबाजों के कंधों पर। टेस्ट क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में बात अलग होती है। वनडे क्रिकेट में भी आपके पास थोड़ा मार्जिन रहता है बतौर बल्लेबाज, 50 ओवर्स वहाँ पर आपके पास रहते हैं, लेकिन T20 क्रिकेट में उतना ज़्यादा समय नहीं होता है। ओवर पिच, इस बार बॉटम एंड का इस्तेमाल किया है, उठा के खेल दिया है, एक और बढ़िया शॉट इस बार मोहित के बल्ले से 4 रन। गुलशन झा पर अटैक किया जा रहा है, उनको टारगेट करने की कोशिश दोनों भी बल्लेबाजों की, और ये कमजोर गेंद थी, ये बिल्कुल ओवर पिच गेंद। बॉटम एंड का अच्छा इस्तेमाल किया, ललित के ऊपर से निकाल दिया वाइडिश मिड विकेट की तरफ 4 रन के लिए। ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड चौका, ये तीसरी बाउंड्री मोहित मोंगिया के बल्ले से। ओहो, टेक ऑफ किया है इस बार गेंद ने, क्या खतरनाक बाउंस था इस दफा, इसकी उम्मीद तो किसी ने भी नहीं की थी, गेंदबाज को भी ये उम्मीद नहीं रही होगी कि इतनी ज्यादा गेंद ऊपर उठेगी। टेनिस बॉल में जैसे बाउंस रहता है वैसा बाउंस देखने को मिला, हल्की सी बैक ऑफ लेंथ जरूर थी, लेकिन देखिए कहां पर विकेट कीपर ने उसको कलेक्ट किया है, सिर के भी ऊपर। ओहो, इस बार जगह जरूर थी लेकिन चूक गए खेलने से, प्लेन मिस, डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। हालांकि अच्छा ओवर रहा ये बड़ौदा के लिए, 11 रन आए इस ओवर से, 5 ओवर्स के बाद 30 पर 1। अच्छी पार्टनरशिप इस समय देखने को मिल रही है दूसरे विकेट के लिए अमित पासी और मोहित मोंगिया के बीच में, 29 रनों की ये साझेदारी हो चुकी है। एक पर पहला झटका लगा था प्रियांशु मौलिया के रूप में, और पहले ही ओवर में विकेट गिरा था। वैसे बल्लेबाजी करना इतना आसान तो नहीं रहा है, खासतौर पर अमित पासी ने काफ़ी स्ट्रगल किया है, मोहित ने अच्छे शॉट्स लगाए हैं 15 गेंदों में 15 पर बैटिंग करते हुए, अमित पासी 13 पर पहुँच चुके हैं, 15 गेंदों का सामना उन्होंने भी किया है। एक और बॉलिंग चेंज, प्रतीश जीसी आए हैं गेंदबाजी के लिए। प्रतीश अपना दूसरा मैच खेल रहे इस सीरीज में, पहले 2 मैचेस में प्लेइंग 11 में नहीं थे, लेकिन पिछले मैच में उनको मौका मिला था गुजरात के विरुद्ध, और दबाव वाला ओवर किया था उन्होंने, आखिरी ओवर रोमांचकारी वो मुकाबला रहा था गुजरात और नेपाल के बीच में। ओ, लंबा हिट लेने का प्रयास यहाँ पर, अपील लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, हो ये गेंद अंदर आई है, सरप्राइज वेपन होता है किसी भी बायत के गेंदबाज का, दायनेत के बैट्समैन के विरुद्ध जब वो ओवर द विकेट से गेंदबाजी करते हैं, स्वाभाविक तौर पर गेंद दाहिने हाथ के बैट्समैन को छोड़कर जाती है, बाहर की तरफ निकलती है, लेकिन ये खतरनाक गेंद थी, अंदर की तरफ आई थी और थोड़ी सी ऊपर लगी थी।
रूम नहीं देना चाहते हैं। अच्छी शुरुआत इस ओवर की प्रतीश के लिए। वैसे पहले मैच में इतना ज़्यादा असरदार लगे नहीं थे, इस मैच में अभी तक पहली तीन गेंदें बहुत ही बढ़िया टप्पे पर डाली है। पावर प्ले का ये आखिरी ओवर, अब केवल तीन गेंदें शेष है। अमित ऐसे लगता है कि शायद चांस लेना चाहेंगे। जहाँ चांस लिया है और खड़े खड़े उठा के खेल दिया है, गजब का शॉट है ये, स्टैंड एंड डिलीवर, 6 रन। बहुत ही बढ़िया शॉट, लेंथ पर रखी हुई गेंद थी, ज़्यादा खराब गेंद नहीं थी ये, लेकिन ये शॉट बहुत ही उम्दा है। एक अच्छी गेंद पर बहुत ही अच्छा शॉट थ्रू द लाइन खेलते हुए। बैट का स्विंग जबरदस्त, बल्ले के बीचों बीच लेकर खेला है। देखिए थोड़ी उछाल लेती हुई ये गेंद थी, और इस तरह की गेंदों पर सामने प्रहार करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर गजब की टाइमिंग दर्शाते हुए अमित पासी, उनका यह पहला मैक्सिमम, ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड मैक्सिमम। इस मैच का भी यह पहला सिक्सर अमित के बल्ले से। बड़े शॉट्स खेलने के लिए जाने जाते हैं। मैच नंबर 3 में भी हमने देखा था, नेपाल के विरोधी वो मुकाबला था, वहाँ पर दो लगातार छक्के जड़े थे, करण कीसी के विरुद्ध वो छक्के जड़े थे, उसके बाद अमित आउट हुए थे। और उस मैच में रन आउट हुए थे अमित पासी। जैसे जैसे बल्लेबाज समय गुजार रहे विकेट पर, वैसे वैसे अच्छे शॉट्स भी देखने को मिल रहे हैं। ओ बाहरी किनारा, और यहां पर भी रन्स मिलेंगे, काफी फाइन चली गई है थर्ड मैन की दिशा में, 4 रन। पहले थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर निकल गए थे और गेंदबाज को अनसेटल करने की कोशिश, ये दिखा रहे थे कि कहीं ना कहीं फाइन लेग की तरफ खेल सकते हैं इम्प्रोवाइज तरीके से, लेकिन अच्छी लाइन पर रखी हुई गेंद थी, जेन्यून एज था वहाँ पर, लेकिन कोई स्लिप में फील्डर नहीं है और उसका फ़ायदा मिलता हुआ बड़ौदा को। ओ बढ़िया टाइमिंग, अच्छा शॉट, लेकिन इस दफ़ा एक ही रन मिलेगा क्योंकि फील्डिंग लाजवाब हुई है। जो खराब शॉट था उस पर बाउंड्री मिली, लेकिन जो बेहतरीन स्ट्रोक था बढ़िया टाइमिंग के साथ खेला गया था वहाँ पर केवल 1 रन। क्या कमाल का एफर्ट, कवर्स की दिशा में, कवर पॉइंट की तरफ डाइव लगाते हुए गेंद को रोका गया है फील्डर द्वारा। 11 रन आए इस ओवर से, पावर प्ले का खेल हुआ समाप्त। बड़ौदा टीम टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करती हुई, 41 पर 1। ऑन द राइट शॉट्स खेले जा सकते हैं इस विकेट पर। बहुत अच्छी फील्डिंग देखने को मिली कुशल भुरतेल द्वारा पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर, और निश्चित रूप से 3 रन बचाए उन्होंने। गैप में निकल जाती गेंद तो ज़रूर चौका बन सकता था। और अब ललित राजवंशी, एक और खिलाड़ी जिनको आज मौका मिला है आक्रमण पर। पहली गेंद थोड़ी देर हवा में ज़रूर थी, लेकिन ये काफ़ी सुरक्षित शॉट है, ऑन साइड में हल्के हाथों से ढकेलते हुए ललित की पहली गेंद पर सिंगल।
अच्छा खेले हैं वैसे देखा जाए तो कुल मिलाकर ये दोनों बल्लेबाज। पावर प्ले को जिस तरह से संभाला, नई गेंद को जिस तरह से संभाला है, वो काबिले तारीफ है। पहली ओवर में जब विकेट गिरता है तो वन डाउन बैट्समैन पर ज़्यादा दबाव होता है, लेकिन मोहित ने अच्छे शॉट्स लगाए हैं, आत्मविश्वास झलका है उनकी बैटिंग में। अब स्पिनर्स के विरुद्ध यहाँ पर कदमों का इस्तेमाल, लेकिन मिस टाइम शॉट, हालांकि गैप में निकल रही है गेंद, जोर आया है गेंद पर, डीप में से एक ही रन मिलेगा, लीडिंग एज हुआ था। सकारात्मक सोच जरूर नजर आई है इन दोनों भी बल्लेबाजों की, आक्रमण करने को देख रहे हैं, स्वीप लगाने का प्रयास, ये देखना है बैट से है या नहीं, एक रन जरूर मिलेगा और शायद थोड़ा सा बल्ला लगा था, जी हाँ, लेकिन ये अच्छा मौका था, बाउंड्री बटोरी जा सकती थी इस गेंद पर, क्योंकि थोड़ा दिशाहीन हो गए थे ललित, लेफ्ट आर्म स्लो ऑर्थोडॉक्स ललित राजवंशी। क्या बात है, ये भी कर सकते हैं मोहित, स्विच इट और 4 रन। बहुत ही बढ़िया शॉट, यहाँ पर जोखिम जरूर उठाया था, स्विच हिट और गेंद भी देखिए स्टंप्स की लाइन में थी, हल्का सा टर्न था, विद द स्पिन खेला है, बराबर आंखों के नीचे खेलते हुए, मुश्किल शॉट रहता है और खास तौर पर जब गेंद स्टंप्स की तरफ होती है तो जोखिम ज्यादा रहता है। इस बार आगे निकल कर ड्राइव कर दिया है, लॉन्ग ऑफ की तरफ फील्डर मौजूद है वहां पर करण के रूप में, बहुत अच्छी बैटिंग देखने को मिल रही है, अच्छी पार्टनरशिप। और इसी की कहीं ना कहीं कमी थी, पहले 3 मैचेस में टॉप ऑर्डर में ज़्यादा रन्स नहीं आ रहे थे, आज भी हालांकि शुरुआत तो निराशाजनक रही, लेकिन अब ये दो बल्लेबाज अच्छा कार्य करते हुए, ओहो अपील और आउट, चलिए कमेंटेटर्स कर्स आप कह सकते हो, बहुत अच्छी पार्टनरशिप बन रही थी, लेकिन आखिरकार इस पार्टनरशिप को तोड़ने में कामयाब रहे हैं ललित राजवंशी, अपने पहले ही ओवर में सफलता प्राप्त करते हुए। अमित पासे आउट, काफ़ी ऊपर रखी हुई ये गेंद थी, टू फुल टू स्वीप, और स्वीप वहाँ पर फंस गया है, गेंद बल्ले पर ले नहीं पाए, जोरदार अपील, उस अपील का स्वीकार किया है अंपायर ने, ललित के खाते में ये सफलता, नीलकंठ विकेट, दूसरा झटका लगा है बड़ौदा को, 49 for 2। स्पिनर्स के विरुद्ध स्वीप शॉट का कई बल्लेबाज इस्तेमाल करते हुए नज़र आए हैं इस टूर्नामेंट में, लेकिन सबसे बढ़िया स्वीप शॉट रोहित पौडेल ने खेले हैं, नेपाल के कप्तान, हालांकि आज रोहित टीम में नहीं है, कल प्रियांशु स्वीप लगाने के चक्कर में आउट हुए थे, सेट होने के बाद आज अमित पासी स्वीप लगाने के चक्कर में लेग बिफोर का शिकार बने हैं, हालांकि अच्छी बैटिंग की, 26 रनों का योगदान दिया अपनी टीम के लिए आउट होने से पहले अमित पासी ने, और अब शाश्वत रावत मैदान में पहुंचे हैं, कल के मैच में गुजरात के विरुद्ध बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी, 32 रनों की पारी खेली थी शाश्वत ने, तो कॉन्फिडेंस उस पारी से जरूर मिला होगा शाश्वत को। प्रतीश के ओवर की नई नए ओवर की पहली गेंद और टर्न कर दिया उसको, जोरा के पास
इन फ्रंट ऑफ स्क्वेयर ऑन साइड में अच्छी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए मोहित मोंगिया अच्छा काफी पॉजिटिव इंटेंट के साथ बल्लेबाजी की है मोहित ने। और फुटवर्क अच्छा देखने को मिला है। सिंगल के साथ 50 रन पूरे हो चुके हैं बड़ौदा के। 8वें ओवर का खेल शुरू हो चुका है। टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है आज बड़ौदा की टीम। शाश्वत ही गेट्स ऑफ द मार्क। आज शुरुआती ओवर्स में बहुत अधिक विकेट्स नहीं गवाए हैं बड़ौदा ने। सीधे फील्डर के पास कोई गलती नहीं वहां पर पॉइंट की दिशा में। इनफील्ड के ऊपर से निकालने का प्रयास था मोहित मोंगिया का लेकिन फील्डर को क्लियर नहीं कर पाए और प्रतीश के खाते में अब सफलता। तीसरे विकेट का पतन 51/3। तीसरा नीलकंठ विकेट जिसका पतन हुआ है। जगह मिली थी हाथ खोलने के लिए और ये देखिए स्क्वायर ऑफ द विकेट बैकवर्ड पॉइंट पर जो फील्डर है उनके ऊपर से निकालने का प्रयास गैप में नहीं खेल पाए और जो एलिवेशन चाहते थे वो भी प्राप्त नहीं कर पाए। वैसे टाइमिंग ज़बरदस्त थी स्ट्रोक में लेकिन सीधे फील्डर के पास और बहुत ही अच्छा कैच तेज स्ट्रोक था। 22 रन बनाकर आउट हुए है मोहित। दोनों भी सेट बल्लेबाज जो थे वो आउट हो चुके हैं यानी कि अब यहाँ से एक बार फिर से नेपाल के जो गेंदबाज है वो दबाव बना सकते हैं नए बल्लेबाजों पर। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है एक बार फिर से बड़ौदा के बल्लेबाजों के समक्ष नए सिरे से पारी की शुरुआत करनी होगी। अभिमन्यु सिंह मैदान में। कैप्टन है बड़ौदा टीम के इस समय अभिमन्यु सिंह। अच्छा खेल रहे थे मोहित मोंगिया। कुशल मल्ला ने वो उनका कैच लपका। बढ़िया शॉट लेकिन पीछे है प्रोटेक्शन स्वीपर कवर में विवेक कुमार यादव। मधुर ध्वनि निकला था जब गेंद बल्ले से निकली थी बल्ले के स्वीट स्पॉट पर टकराई थी। अच्छे टाइमिंग के साथ शॉट खेला था वहां पर अभिमन्यु सिंह ने अपना पहला रन बनाते हुए इस मुकाबले में कप्तान। आठवें ओवर की अंतिम गेंद हल्के हाथों से खेला है। सिंगल लेना चाहते थे लेकिन रन मिलेगा नहीं क्योंकि कुशल मौजूद है वहां पर। सफल ओवर समाप्त होता हुआ प्रतीश का 3 रन देकर 1 विकेट इस ओवर में 52/3 8 के बाद।
राजवंशी हल्का सा फ्लाइट देते हुए इस दफा शाश्वत रावत के पास अब स्ट्राइक, पहली गेंद पर सिंगल आया है। छोटे नाटे कद के खिलाड़ी है शाश्वत रावत, लेकिन अच्छे उच्च कोटि के शॉट्स खेल सकते हैं, ये कल दिखाया था उन्होंने। बैकवर्ड पॉइंट पर एक खिलाड़ी उनके लिए शॉट, थर्ड मैन थोड़ा सा स्क्वेयर, उसको और थोड़ा फाइन करने की कोशिश कप्तान की, हल्का सा बदलाव फील्डिंग में, कवर्स में एक फील्डर है। बढ़िया शॉट कट किया है बैकफुट पर जाकर, ये कैप में खेला हुआ शॉट था, हालांकि डीप में फील्डर पहुंचे जरूर गेंद पर, दो रन मिलेंगे यहाँ पर। थोड़ी भी जगह मिलती है तो तुरंत बैकफुट पर चले जाते हैं, खासतौर पर स्पिनर्स के विरुद्ध कट शॉट काफ़ी अच्छा खेलते हैं शाश्वत रावत। डीप पॉइंट रखा गया है उनके लिए, बाउंड्री पर ऑफ साइड में लॉन्ग ऑफ है, ऑन साइड में बाउंड्री पर प्रोटेक्शन थोड़ा ज़्यादा है, जानबूझकर खेला है, ये बहुत ही चतुराई भरा स्ट्रोक है फील्डर पीछा करते हुए, और कमाल का एफर्ट, क्वालिटी क्रिकेट, आकाश चांद की यहाँ पर तारीफ करनी होगी। और नेपाल की फील्डिंग पहले ही मैच से सराहनीय रही है, प्रशंसनीय फील्डिंग हमें देखने को मिली है, कभी भी ऐसा लगा नहीं कि नेपाल के खिलाड़ी काफ़ी रिलैक्स हो गए हैं किसी भी मुकाबले में, बहुत ही बेहतरीन वर्क, अच्छा कैमरा वर्क भी यहाँ पर देखने को मिला है। एक रन बचा अपनी टीम के लिए आकाश चांद ने, अभिमन्यु सिंह के लिए भी अभी तक हम देखें तो ये प्रतियोगिता इतनी अच्छी रही नहीं है। लेकिन एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी ये भी होती है कि पीछे क्या हुआ है उसको ज़्यादा तवज्जो ना देते हुए वर्तमान पर फोकस करे। एक और सिंगल, अच्छा खेल रहे हैं स्पिन के विरुद्ध ये दोनों भी बल्लेबाज, अभी तक किसी तरह की कोई हड़बड़ाहट नज़र नहीं आई है, और बहुत ही इत्मीनान के साथ सामना किया जा रहा है ललित राजवंशी का। बहुत बड़ा विकेट झटक लिया अपने पहले ओवर में ललित ने, अमित पासी को पगबाद आउट किया, और कुछ इसी तरह की वो गेंद थी, लेकिन स्वीप शॉट खेलने का प्रयास हुआ था, इस दफ़ा रक्षात्मक रवैये से खेल दिया है बैट्समैन ने। डॉट बॉल के साथ नौवे ओवर की समाप्ति, 60-3 बड़ौदा। अच्छा विकेट है आज देखा जाए तो यहाँ पर वापी गुजरात में साई मेकपन स्पोर्ट्स लाइव क्रिकेट ग्राउंड पर। कई लोगों का मानना यह रहता है कि जहाँ पर बहुत रन्स बनते वो अच्छा विकेट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सही मायनों में आप एक क्रिकेट फैन हैं तो ज़रूर आप चाहेंगे कि गेंदबाजों के लिए भी कुछ ना कुछ हो। बल्लेबाजों के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग भी होना चाहिए। खैर हर इंसान की अलग अलग सोच हो सकती है, अलग अलग राय हो सकती है इस पर, लेकिन मुझे तो लगता है कि ऐसे ही विकेट्स मज़ेदार होते हैं जहां पर गेंदबाजों के लिए भी थोड़ी बहुत सहायता रहती है और बल्लेबाज भी रन्स बना सकते हैं यदि उनके पास अच्छी तकनीक है तो।
अच्छा संघर्ष देखने को मिलता है गेंद और बल्ले के बीच में। बैकफुट पर जाकर टर्न कर दिया है, वाइडिश में डॉन की तरफ यहाँ पर सिंगल आसानी के साथ उपलब्ध है। सात पर पहुंच चुके हैं शाश्वत रावत इस सिंगल के साथ, तीन पर कप्तान अभिमन्यु सिंह। गुलशन शाह पहले ओवर में थोड़े खर्चीले साबित हुए थे, दो चौके लगे थे उनके उस ओवर में, लेकिन तब बल्लेबाज अलग थे। मोहित मोंगिया और अमित पासी क्रीज पर थे, लेकिन अब दो नए बल्लेबाज हैं उनके सामने। और हैमर्ड करने का प्रयास था, बल्ले के टो एंड पर टकराई, दिशाहीन गेंद थी ये, जो गाइडलाइन होती है अंपायर के लिए उसके भी बाहर थी, और शायद उसको छोड़ देते तो अंपायर वाइड उसको घोषित करते, इतनी बाहर थी। लेकिन बल्ला चलाया था अभिमन्यु ने, और केवल एक ही रन पर संतुष्ट होना पड़ा, तो कमजोर गेंद का पूरा फायदा नहीं उठा पाए। और इस तरह की गेंदें जिन पर आप बाउंड्रीज प्राप्त करते हो तो कहीं ना कहीं गेंदबाज भी थोड़ा बैकफुट पर चला जाता है। खूबसूरत गेंद, इस बार थोड़ी सी मूवमेंट बाहर की तरफ, छिड़कानी करने की कोशिश की थी ऑफ स्टंप के बाहर, बहुत अच्छी लाइन पर रखी हुई गेंद थी ये गुलशन झा। जिस तरह से वो दौड़ते हैं ऐसे लगता है कि बहुत ही धीमी गति से गेंदबाजी करेंगे, लेकिन चौंका देते हैं, थोड़ा पेस बीच बीच में निकाल लेते हैं, जनरेट करते हैं, और लेंथ को जिस तरह से वैरी करते हैं वो काबिले तारीफ। डिसेंट हाइट भी है इसलिए बीच बीच में थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल भी मिलता है। इस बार खेल दिया है डी पॉइंट की तरफ, फील्डर है वो मौजूद वहां पर, लेकिन एक रन आराम के साथ, तीन रन आ चुके हैं इस ओवर से। गुलशन झा ने अपना पहला ओवर जो किया था वो नॉर्थ एंड से किया था, और अब साउथ एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। आज रोहित पौडेल टीम में नहीं है, नेपाल के कप्तान विश्राम दिया गया है उनको, दीपेंद्र सिंह ऐरी कप्तानी कर रहे हैं। रोहित की कप्तानी कमाल की रही पहले तीनों मैचेस में, उनके बॉलिंग चेंजेस कमाल के देखने को मिले। अच्छी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति, किफायती ओवर रहा यह गुलशन का, सिर्फ तीन रन आए इस ओवर से, 10 ओवर का खेल हुआ समाप्त। बड़ौदा टीम टॉस जीतकर पहले बैटिंग करती हुई, 63 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, और वक्त हो चला है ड्रिंक्स ब्रेक का।
ड्रिंक्स ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है एसआई मेकपन स्पोर्ट्स लाइव प्रेजेंट्स एसएमएस फ्रेंडशिप कप 2024 के इस छठे मुकाबले में बड़ौदा बनाम नेपाल। बड़ौदा टीम पहले बैटिंग करती हुई टॉस जीतने के बाद 63/3 10 ओवर्स के बाद और अब खुद कप्तान गेंदबाजी के लिए आया है दीपेंद्र सिंह ऐरी। थोड़ा सा चेक किया था स्ट्रोक को, हल्की सी हवा में भी रही थी लेकिन कोई नुकसान नहीं। चतुर बॉलर है दीपेंद्र सिंह ऐरी, अच्छा मिश्रण करते हैं, पेस को बहुत अच्छा वैरी करते हैं। इस बार बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद है आकाश चांद के रूप में। थोड़ी ऑफ स्टंप के बाहर डाली हुई गेंद थी और फ्रंट फुट पर आते हुए बहुत ही अच्छे नियंत्रण के साथ ड्राइव करने में कामयाब रहे थे वहाँ पर बैट्समैन शाश्वत रावत। डबल फिगर्स में पहुँच चुके हैं शाश्वत। बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट यहाँ पर दो खिलाड़ियों के दरमियान से, लेकिन उतनी ही शानदार फील्डिंग। नेपाल के फील्डर्स ने दर्शकों को दीवाना बना दिया है अपने फील्डिंग की बदौलत। यहाँ पर जरूर बाउंड्री चेक करना चाहेंगे अंपायर, थोड़ा सा वेट करते हुए खेला था इस गेंद को। लाजवाब एफर्ट, लॉन्ग ऑन से ललित आए थे डीप मिड विकेट से, जो खिलाड़ी आए थे उन्होंने ड्राइव लगाकर रोका है इस गेंद को, तो दो ही रन्स मिलेंगे। बढ़िया फील्डिंग, खुद गेंदबाज दीपेंद्र उस गेंद पर चले गए थे और संभवतः सबसे बेहतरीन फील्डर है दीपेंद्र सिंह ऐरी जहां तक नेपाल का सवाल है। जिस तरह से पहले ही मैच में उन्होंने रुद्रा पटेल को रनआउट किया था उसकी काफ़ी सारी चर्चा हुई है और आने वाले दिनों में भी उसकी चर्चा होती रहेगी। अब की बार गलती हुई है डीप में, ये बहुत रेयर आपको देखने को मिलेगा नेपाल के खिलाड़ियों द्वारा आउटफील्ड में गलती हो। क्षेत्ररक्षण की मैं बात कर रहा था कि बहुत ही उम्दा क्षेत्ररक्षण रहा है पूरे सीरीज़ में नेपाल के खिलाड़ियों का, लेकिन पिछली गेंद पर ज़रूर थोड़ी सी चूक हुई। काफ़ी आगे रखा था इस दफ़ा, पैड को निशाना बनाने की कोशिश थी दीपेंद्र की, लेकिन अच्छी तरह से खेला अभिमन्यु ने। अभिमन्यु ने अभी तक कोई आक्रामक शॉट नहीं खेला है, लेकिन अच्छी सोच की बल्लेबाजी है और एक पार्टनरशिप बनाने का प्रयास नज़र आ रहा है शाश्वत रावत और अभिमन्यु का। 69 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। फाइनल के लिए तो नेपाल और गुजरात इन दोनों भी टीमों ने अपने टिकट्स कंफर्म कर लिए हैं और 7 तारीख को फाइनल मुकाबला देखना मत भूलिएगा। दोपहर 1 बजे फाइनल मुकाबला शुरू होगा सुपर संडे को, सुपर फाइनल एसएमएस फ्रेंडशिप कप 2024 का नेपाल बनाम गुजरात। गुलशन अपने तीसरे ओवर में आगे निकले थे लेकिन बढ़िया गेंद, जल्दी देख लिया था वहां पर बैट्समैन को कदमों का इस्तेमाल करते हुए और अच्छे इनकटर गेंद का इस्तेमाल किया वहां पर। एक बार फिर से देखिएगा नेपाल बनाम गुजरात महामुकाबला एसएमएस फ्रेंडशिप कप 2024 का, 7 तारीख को दोपहर 1 बजे खेल की शुरुआत होगी। अभी तक गेंदबाजी की हम बात करें तो करण केसी के 2 ओवर्स बचे हुए हैं, आकाश चांद ने भी 2 ही ओवर्स किए हैं, गुलशन अपना 3रा ओवर शुरू कर चुके हैं। और इस बार धीमी गति की शॉर्ट बॉल, वाइड घोषित कर दिया अंपायर ने। फाइन लेग के ऊपर से खेलने का प्रयास था, फाइन लेग सर्कल के अंदर है, ऑफ स्टंप के बाहर निकले थे, इम्प्रोवाइज तरीके से हुक करने की कोशिश की थी वहाँ पर शाश्वत रावत ने। गुलशन की बॉलिंग की ये ज़रूर एक खासियत कही जा सकती है कि उनको उछाल अच्छा मिलता है, जब भी थोड़ा सा पीछे रखते हैं तो उछाल काफ़ी ज़बरदस्त प्राप्त करते हैं, लेकिन ये कभी कभी गेंदबाज के लिए घातक भी साबित होता है।
बल्लेबाज के पहुंच से बाहर थी गेंद, जिस वजह से अंपायर ने वाइड घोषित किया। जोरदार पंच, गैप ढूंढा है ऑफसाइड में, दर्शनीय स्ट्रोक शाश्वत के बैट से, खूबसूरत चौका। बहुत ही शानदार शॉट ये शाश्वत रावत के बल्ले से, थोड़ी सी पीछे रखी हुई गेंद थी और ज़्यादा तेज नहीं थी, वेट किया, फ्रंट लेग को थोड़ा सा गेंद की लाइन से हटाया, बैक फुट पर वेट लेते हुए, बॉडी वेट लेते हुए पंच करते हुए चौका। और ये तीखा जवाब है उस बाउंड्री को गुलशन झा द्वारा, अच्छी नोकझोंक, लगभग किनारा दे ही दिया था वहां पर बैट्समैन शाश्वत ने। कई बार ऐसे होता है गुलशन के विरुद्ध जब बल्लेबाज खेलते हैं तो उनको लगता है कि खेलना बहुत ही आसान रहेगा, लेकिन गुलशन कमाल की गेंदबाजी करते हैं, सटीक लाइन और लेंथ पर रखते हैं, बदलाव करते हैं लेंथ में, खासतौर पर उसे चकमा देते हैं। इस बार गैप ढूंढा है ऑन साइड में, कम से कम दो रन मिलेंगे यहाँ पर, जहाँ दो के लिए पलट चुके हैं बल्लेबाज, लॉन्ग ऑन से फील्डर पहुँचे थे वहाँ पर वाइड डीप मिड विकेट की तरफ। अच्छा ओवर रहा यह बड़ौदा के लिए, अभी भी ओवर चल रहा है और दो गेंदें बची हुई है, 8 रन आ चुके हैं गुलशन के इस ओवर से। शाश्वत रावत इस समय 16 पर पहुंच चुके हैं, 10 पर बल्लेबाजी करते हुए अभिमन्यु और 77 पर 3 बड़ौदा। खूबसूरत गेंद, ये बात से गेंद चिटकी थी लेकिन रिकवरी बहुत अच्छी की उन्होंने, तुरंत उठाकर थ्रो किया और गेंदबाज दीपेंद्र ने भी तो वहाँ पर बाकी का काम पूरा किया है, समय बर्बाद बिल्कुल भी नहीं किया दीपेंद्र ने और बल्ला हवा में रह गया। ये देखिए कट करने की कोशिश, हो क्या यहाँ पर किनारा लगा था, सिक्सर से ओवर का आगाज हुआ था लेकिन अंत काफी अच्छा किया है दीपेंद्र सिंह ने, रनआउट के जरिए हालांकि विकेट मिला इस ओवर में 87 पर 4। नेपाल की टीम के लिए तो एक प्रैक्टिस मैच की तरह ही है फाइनल से पहले, आज नेपाल टीम ने 4 चेंजेस किए हैं अपने प्लेइंग 11 में, कप्तान रोहित पौडेल को भी विश्राम दिया गया है। दो चेंजेस बड़ौदा की टीम में, प्रतीश का नया ओवर गेंद को खेल दिया है स्वीपर कवर की तरफ, आकाश चांद मौजूद है वहां पर डी पॉइंट की तरफ, बल्कि वो फील्डर है बिल्कुल स्क्वेयर। आज थर्ड अंपायर की भूमिका में जो है वो ऑल्विन क्रिश्चियन है, और बढ़िया डिसीजन उनका अभी अभी हमने देखा। यहाँ पर फील्डर को मशक्कत करनी पड़ेगी लेकिन फील्डर भी काफ़ी तेज़ है, शॉट भी काफ़ी तेज़ खेला गया था, स्क्वेयर ऑफ द विकेट बहुत अच्छा खेलते हैं खासतौर पर शाश्वत रावत ऑफ साइड में, जब भी उनको थोड़ी जगह मिली है वहाँ पर उन्होंने कट शॉट का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। भानुपानिया नंबर 6 पर खाता खोल चुके हैं सिंगल के तहत। ₹150 का आंकड़ा छूने का मौका जरूर है बल्लेबाजों के पास लेकिन उसके लिए विकेट पर जरूर रुकना होगा कुछ देर और, मुझे लगता है कि खासतौर पर इन दो बल्लेबाजों को टिकना होगा। भानुपानिया अभी अभी आए हैं क्रीज पर, और 150 या फिर 150 प्लस निश्चित रूप से एक चैलेंजिंग स्कोर रहेगा और हो सकता है कि मैच के सेकेंड हाफ में स्पिनर्स को और थोड़ा परचेज भी मिले।
हल्के हाथों से खेला है फ्रंट फुट पर आकर और सिंगल लेने में कामयाब। देखिए 150 तक भी पहुंचना है तो लगभग 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से तो बनाने होंगे यहां से रन्स, और उसमें शाश्वत की भूमिका शायद बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि सेट बैटर है इस समय क्रीज पर शाश्वत रावत। आड़े बैट से पुल करना चाहते थे, कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि मिड विकेट की तरफ खेलना चाहते थे, लेकिन बिल्कुल सामने चली गई लॉन्ग ऑन पर। एक रन भी लेने का ज़रूर मौका वहाँ पर शाश्वत के पास। प्रतीश ने आज गेंदबाजी बेहतर की है पिछले मैच की तुलना में, यदि हम देखें तो किफायती रहे हैं, एक सफलता भी प्राप्त कर चुके हैं। ओ बहुत अच्छा शॉट था लेकिन उतनी ही शानदार फील्डिंग पॉइंट की दिशा में। यहाँ पर रन्स जरूर बचाए गए हैं फील्डर द्वारा। बैट का थोड़ा सा फेस खोलते हुए निकालना चाहते थे पॉइंट बाउंड्री की तरफ, लेकिन फील्डर आड़े आ गए। डॉट बॉल के साथ इस ओवर की समाप्ति। 4 रन केवल खर्च किए प्रतीश ने अपने तीसरे ओवर में। 14 ओवर के बाद 91/4 बड़ौदा। इस मैच की काफ़ी चर्चा शुरू हो गई है ऑलरेडी। 7 तारीख को महामुकाबला खेला जाएगा, फाइनल मैच नेपाल और गुजरात के बीच में। पीछे फील्डर रखा गया है पॉइंट की दिशा में क्योंकि वहां से काफ़ी सारे रन्स बनाते हैं शाश्वत रावत। थोड़ी भी गेंद पीछे रहती है तो उसको कट करने से चूकते नहीं है, बैकफुट पर बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं दीपेंद्र सिंह तीसरे ओवर में। ओ किनारा जरूर लगा था, तेज गेंद डाली थी इस दफा। लगातार अराउंड द स्टंप्स गेंदबाजी करते हुए दीपेंद्र सिंह एरी। यहाँ पर सिंगल जरूर मिलेगा और अब धीरे धीरे डेथ ओवर्स का खेल शुरू हो रहा है। बढ़िया शॉट, बहुत ही खूबसूरती के साथ ड्राइव किया है, फील्डर से थोड़ा दूर खेलने में भी कामयाब और अब की बार 2 रन ले जाएंगे शाश्वत रावत। बैकफुट का जो गेम है उनका स्ट्रांग है ही, लेकिन फ्रंट फुट पर भी अच्छे शॉट्स खेलते हैं और गेंद के मेरिट पर बल्लेबाजी करना जानते हैं। अभी तक बहुत ही बढ़िया तरीके से खेले हैं शाश्वत रावत, 30 पर पहुंच चुके हैं। इस बार स्टंप्स की तरफ रखी हुई गेंद थी, थोड़ी आगे रखी हुई गेंद ऑन ड्राइव कर दिया है। एक और सिंगल, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 96 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर के बाद बचते हैं 5 ओवर्स जो कि सही मायनों में डेथ ओवर्स कहलाते हैं T20 क्रिकेट में। फ्लिक कर दिया है, डी बैकवर्ड स्क्वायर लेग मौजूद है, एक ही रन मिलेगा इस बार भी। दीपेंद्र सिंह एरी का ये ओवर हुआ समाप्त, 15 ओवर्स की समाप्ति। स्कोर है 97 4 विकेटों के नुकसान पर बड़ौदा।
छह गेंदबाजों का इस्तेमाल किया गया है अभी तक नेपाल टीम द्वारा इस मुकाबले में। पहले 15 ओवर्स के लिए 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, जिसमें से एक विकेट रनआउट के स्वरूप में मिला है और 3 गेंदबाजों को एक एक सफलताएं मिली है। गुलशन की गेंद पैड पर टकराई है, अतिरिक्त रन लेग 22 का इशारा करते हुए अंपायर आकाश तोमर। गुलशन का यह अंतिम ओवर है, लगातार ये चर्चा होती रही है कि आखिर के ओवर्स में यदि आपके पास विकेटें हैं तो आप 10-12 रन प्रति ओवर के हिसाब से ज़रूर रन्स बना सकते हो। शाश्वत ने कल भी काफ़ी अच्छी पारी खेली थी 32 रनों की, लेकिन कैरिड अवे हो गए थे। 2 छक्के आने के बाद तीसरा छक्का लगाने के प्रयास में आउट हुए थे। इस बार इम्प्रोवाइज शॉट के दबाव में और बढ़िया कैच, बहुत ही बढ़िया जजमेंट शॉट फाइन लेग के खिलाड़ी द्वारा, और शाश्वत राउत आउट। बहुत ही बड़ी सफलता गुलशन के खाते में। शाश्वत 31 रन बनाने के बाद पेवेलियन की राह पर गिरने वाला इस पारी में ये 5वां नीलकंठ विकेट। ऑफ स्टंप के बाहर चले गए थे और शॉट फाइन लेग के ऊपर से खेलना चाहते थे, रचनात्मक शॉट खेलने का प्रयास। ये देखिए थोड़ा सा चहलकदमी की थी ऑफ स्टंप के बाहर और एक तरह से उसको टाइम ही नहीं कर पाए। गेंदबाज की गति का इस्तेमाल करते हुए स्कूप करने की कोशिश थी, लेकिन मिस टाइम शॉट और एक अच्छा कैच। 98 पर लगा है 5वां झटका टीम बरोड़ा को। ललित राजवंशी ने कैच लपका और अब नंबर 7 पर परीक्षित पाटीदार। अन्य गेंदबाजों से बिल्कुल भिन्न लगे हैं गुलशन इस पूरे सीरीज में। और काफी प्रभावशाली गेंदबाजी रही है गुलशन की, हर मैच में विकेट निकाली है गुलशन ने। ओहो, कट किया और सीधे फील्डर को ढूंढा है बैकवर्ड पॉइंट पर, कोई गलती नहीं दीपेंद्र सिंह ऐरी द्वारा। एक और सफलता गुलशन के खाते में, भानु पानिया भी चले पेवेलियन की राह पर। जगह जरूर थी इस दफा, हल्की सी अंदर की तरफ आती हुई गेंद और कट शॉट खेलने के लिए एक आदर्श गेंद थी ये। कट किया भी लेकिन सीधे फील्डर के पास, भुरतेल थे वहां पर, भुरतेल ने ये कैच लपका है। और इससे पहले हमने देखा मोहित मोंगिया भी आउट हुए थे बैकवर्ड पॉइंट पर, वहां पर उन्होंने भी अच्छे से टाइम किया था अपने शॉट को, लेकिन वो भी नीचे नहीं रख पाए थे और सीधे फील्डर के हाथ में कैच थमा बैठे थे। 99 पर 6 और अब स्थिति थोड़ी सी नाजुक यहाँ पर लगने लगी है बड़ौदा की, क्योंकि एक ही ओवर में 2 विकेट्स गवा दिए हैं। अभी भी 2 गेंदें बची हुई है गुलशन झा के स्पेल में। ध्रुव पटेल पिछला मुकाबला खेले नहीं थे, आज वापसी कर रहे हैं।
ये भी हवा में, लेकिन निकल गई है गैप में। 4 रन मिलेंगे और इसके साथ ही 100 रन पूरे होते हुए टीम बड़ौदा के। जानबूझकर वहां पर ऑफ स्टंप के काफी बाहर रखा था गेंद को, इस बार बैट का फेस खुला, जो एंगल है उसका अच्छा इस्तेमाल किया है, फील्डर से दूर खेलने में कामयाब रहे। प्लेसमेंट बढ़िया, टाइमिंग लाजवाब थी और 4 रनों से खाता खोला है ध्रुव ने। लेग स्टंप की तरफ आती हुई गेंद, इस पर टर्न कर दिया है, सिंगल मिलेगा यहाँ पर और इसके साथ ही गुलशन का सफल स्पेल समाप्त होता हुआ। 4 ओवर में 29 रन देकर 2 विकेट्स, 16 के बाद 104 पर 6 बड़ौदा। एक सौ चार पर 6, 4 ओवर्स का खेल बाकी है और यहाँ से अभी भी हालांकि 150 के करीब पहुँचा जा सकता है, एक दो बड़े ओवर्स यदि आते हैं तो। लेकिन सेट बल्लेबाज इस समय नहीं है क्रीज पर बड़ौदा के लिए। देखिए 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से यहाँ से बनाते हैं तो 136 इस समय 6.50 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाए जा रहे हैं। 10 रन प्रति ओवर 144 कॉम्पिटेटिव टोटल हो सकता है। करण केसी काफ़ी देर बाद अब बॉलिंग के लिए एक बार फिर से आते हुए, नई गेंद से 2 ओवर्स किए थे उन्होंने और पहली सफलता अपने टीम को दिलाई थी। मैच के दूसरी गेंद पर क्लीन बोल्ड आउट किया था प्रियांशु मौलिया को, 7 रन देकर 1 विकेट उनके खाते में। और खराब गेंद यहां पर, विकेट कीपर से भी गेंद रुकी नहीं है, फाइन लेग बाउंड्री की तरफ गुलशन पहुँचे वाइट के चलते ये 2 रन्स। करण केसी ने इस सीरीज़ में अभी तक 7 विकेट्स चटकाए हैं। पहले मैच में 3 विकेट्स गुजरात के विरुद्ध, उसके बाद बड़ौदा के विरुद्ध 3 मैच विकेटें ली थी और अब आज के मैच में 1 विकेट, तीसरा मैच नहीं खेले थे। नई गेंद से भी विकेटें चटकाई और डेथ ओवर्स में भी अच्छी गेंदबाजी की है, इस बार पुल कर दिया है डिप स्क्वायर लेग की जानब, फील्डर थोड़े दूर थे। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स, 2 रन यहाँ पर प्राप्त करते हुए परीक्षित पाटीदार। बड़े शॉट्स खेलने में माहिर बल्लेबाज है परीक्षित पाटीदार, 137 रनों की धुआंधार पारी खेल चुके हैं इस सीरीज में। और बड़ौदा टीम को यदि 140 के ऊपर जाना है तो निश्चित रूप से परीक्षित को तो मुझे लगता है कि आखिर तक खेलना होगा, पसंद भी करते हैं डेथ ओवर्स में बल्लेबाजी करना परीक्षित पाटीदार। थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल और क्या ये कैरी हुई है, जी नहीं, फील्डर बताते हुए कि बाउंस पर आई है गेंद, जोरा वहां पर मौजूद, बढ़िया फील्डिंग। थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल था, बैकफुट पर जाकर खेलना चाहते थे उसको, थोड़ा स्क्वेयर और सामने की तरफ वो खेलना चाहते थे इन फ्रंट ऑफ स्क्वेयर ऑफ साइड में, लेकिन लगा था मोटा बाहरी किनारा। ये देखिए हाफ वॉली में फील किया गया है गेंद को, इस बार पुल किया है, उस ओर फील्डर मौजूद है, ओहो अद्भुत कैच विवेक कुमार यादव डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, लेकिन जरूर अंपायर इसको चेक करना चाहेंगे। ये क्लीन कैच है या नहीं, फेयर कैच है या नहीं, ये चेक किया जाएगा। हल्की सी पीछे रखी हुई गेंद थी, उसको पुल किया था डिप स्क्वायर लेग की दिशा में, ये देखिए कैच को लपका,
पैर क्या बाउंड्री को टच हुआ है, ये देखने वाली बात है। बाया पैर जमीन पर गेंद को फेंका है उन्होंने, फिर बाहर चले गए और उसके बाद फिर अंदर आते हुए गेंद को कैच किया है। लेकिन ये अभी देखने वाली बात है कि जो उनका बाया पैर जमीन पर लैंड हुआ है, वो क्या उसका संपर्क बाउंड्री रोप से हुआ है या नहीं। थोड़ा सा समय लेते हुए यहाँ पर टीवी अंपायर अलग अलग एंगल से देख रहे हैं। आधुनिक क्रिकेट में जो फील्डिंग का स्तर है वो काफ़ी विकसित हुआ है। बाउंड्री लाइन पर खासतौर पर जो कैचेस लपके जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी हम देखते हैं, आईपीएल क्रिकेट में कमाल कमाल के कैचेस देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर एसएमएस फ्रेंडशिप कप में भी हम बात करें तो बहुत अच्छे कैचेस देखने को मिले हैं। ये पैर क्या बाउंड्री लाइन से टच हुआ है या फिर अंदर है। और आउट, जी हाँ आउट घोषित किया है बल्लेबाज को। परीक्षित की पारी यहाँ पर हुई समाप्त। एक सौ आठ पर सात। बहुत ही बेहतरीन कैच जिसके चलते परीक्षित पाटीदार की पारी पर पूर्ण विराम लगा है। विवेक कुमार यादव ने कमाल किया है। देखिए बाउंड्री लाइन के थोड़ा सा अंदर था उनका पैर और सही समय पर उन्होंने गेंद को उछाला था, फेंक दिया था अपने हाथ में से, क्योंकि बाहर जा रहे थे बाउंड्री लाइन के, और दोबारा बाउंड्री लाइन के अंदर आकर उस गेंद को कैच किया है। बहुत ही शानदार कैच। पिछले कुछ ओवर्स में लगातार विकेटें गिर रही है। पिछले ओवर में गुलशन ने दो छक्के दिए थे, इस ओवर में करण केसी को सफलता मिली है। ये दूसरी सफलता करण केसी के खाते में, और कुल मिलाकर आठ विकेट्स चटका चुके हैं करण केसी इस सीरीज में। नए बैट्समैन हेमंत पुंडे, बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी लाइन, बाहरी किनारे को बीट करती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के पास। हल्की सी सीधी हुई, टप्पा पड़ने के बाद गेंद हवा में विद द एंगल अंदर की तरफ आई थी, लेकिन पड़ने के बाद जरूर हल्की सी सीधी होती हुई गेंद थी। कोई भी टीम नहीं चाहती है कि 17वें ओवर में आपके नए बल्लेबाज क्रीज पर हो, लेकिन बड़ौदा टीम अब उस सिचुएशन में आ गई है। अभी यहाँ से बचे हुए 3 ओवर्स में देखना है कि कितने रन्स बल्लेबाज जुटा पाते हैं। 3 ही विकेट्स बचे हुए हैं। ये दर्दनाक हो सकता है। फिजियो इस समय मैदान में, कुल मिलाकर 19 गेंदे शेष है इस पारी में बड़ौदा के, यदि कोई वाइड या नो बॉल यहां से नहीं होती है तो। 108 पर सात।
देखिए एक समय 87/3 थी बड़ौदा टीम, इस बार अपील जरूर थोड़ी सी, लेकिन यहाँ पर शायद बल्ला लगा है जी हाँ अंदरूनी किनारा, और फिर जाकर गेंद पैड्स पर टकराई थी वहाँ पर, एक रन इस गेंद पर, और इसके साथ ही करण केसी का ये शानदार और सफल ओवर समाप्त होता हुआ। अंतिम गेंद अराउंड द विकेट से अंदर की तरफ लेकर आए थे, जहाँ बहुत बड़ा इनसाइड एज था। 109 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। यहाँ पर फॉलो अप विकेट्स पर ज़रा नज़र डालिएगा, पहला एक पर गिरा था, उसके बाद 48 की पार्टनरशिप अमित पासी और मोंगिया के बीच में, 49 पर दूसरा, 51 पर 3रा विकेट, उसके बाद फिर एक पार्टनरशिप बनी थी 36 रनों की, और 87 पर 4था विकेट गिरा, और उसके बाद लगातार विकेट गिरी है, 98 पर 5वां, 99 पर 6ठा विकेट, और 108 पर 7वां झटका लगा है। तो आखिर के जो ओवर से उसमें हम देखें तो पारी लड़खड़ा रही है बड़ोड़ा की। अभिमन्यु सिंह और शाश्वत जब तक खेल रहे थे तो वहाँ पर ज़रूर ऐसे लग रहा था कि 160 तक शायद टोटल पहुँच सकता है, लेकिन अब 140 तक पहुँचना भी मुश्किल लग रहा है। आकाश चांद, यॉर्कर की कोशिश, सीधे बल्ले से खेला लेकिन कोई रन नहीं, सटीक यॉर्कर तो नहीं थी, लेकिन बॉलर को वहां पर बीट नहीं कर पाए, बल्ले के बीचों बीच बराबर लगी नहीं। आकाश चांद से काफ़ी सारी उम्मीदें हैं नेपाल को, एक बहुत ही प्रतिभाशाली युवा तेज बॉलर। अपील जरूर, लेकिन यहाँ पर लगता है कि लेग स्टंप के बाहर पिच हुई है गेंद, कोई सिग्नल भी नहीं अंपायर द्वारा, थोड़ा सा वक्त लेने के बाद लेग बाइज का सिग्नल किया है जी हाँ, लेग स्टंप के हल्की सी बाहर पिच हुई थी, और जब गेंद लेग स्टंप के बाहर पिच होती है तो वहां पर LBW का सवाल ही खत्म हो जाता है। चीजें काफी अच्छी जा रही थी जब तक अभिमन्यु सिंह और शाश्वत क्रीज पर थे, लेकिन अभिमन्यु रन आउट हुए और वहां से खेल काफी बदल गया है। कुल मिलाकर यह 6ठा मुकाबला है इस सीरीज का। पहले 2 मैचेस में हमने देखा कि चेज करने वाली टीम जीती, उसके बाद जो 2 मुकाबले हुए उसमें स्कोर डिफेंड होते हुए भी हमने देखे, नेपाल टीम ने 156 रन डिफेंड किए थे, कल के मैच में भी स्कोर बचाया गया। अच्छा ड्राइव, बिल्कुल कारपेट के सहारे खेला था, जोरा मौजूद है डीप में, जोरा की फील्डिंग ज़बरदस्त रही है, और ना सिर्फ जोरा की बल्कि ओवरऑल फील्डिंग की हम बात करें तो नेपाल की फील्डिंग बहुत अच्छी रही है आज, ज़रूर कुछ फंबल देखने को मिले लेकिन ओवरऑल बहुत ही ज़बरदस्त फील्डिंग रही है नेपाल की इस सीरीज़ में। पिछले 3 मैचेस में चेस करने वाली टीम जीती नहीं है। बढ़िया ड्राइव, ओवर थ्रो, एक रन और मिलेगा यहाँ पर शायद, दूसरा भी जी नहीं, वहाँ पर 2 ही रनों से आखिरकार संतुष्ट हुए हैं, हालांकि 1 ही रन वैसे मिलना चाहिए था, लेकिन ओवर थ्रो के चलते एक और रन मिला है।
114 रन 7 विकेटों के नुकसान पर टीम बरोड़ा। 13 गेंदे मात्र पारी में शेष। ध्रुव पटेल क्या यहां से अपने लंबे हाथ दिखा सकते हैं, यह देखने वाली बात है। वैसे 4 गेंदों में 8 पर पहुंच चुके हैं ध्रुव। एक और बढ़िया ड्राइव। खिंद के लाइन में जाकर खेल रहे हैं, ये देखिए थोड़ा सा बैक एंड अक्रॉस जाकर इस बार फ्रंट फुट पर आकर ड्राइव किया था। हल्की सी हवा में ज़रूर थी गेंद, लेकिन फील्डर से दूर खेलने में कामयाब रहे थे। सिंगल के साथ इस ओवर को समाप्त करते हुए 115 पर 7। मात्र 2 ओवर्स का खेल बचा हुआ है बड़ौदा की पारी में और विकेट बचे हैं केवल 3। करण केसी अपना आखिरी ओवर लेकर तैयार होते हुए बहुत ही धारदार गेंदबाजी की है करण केसी ने, ना सिर्फ इस मैच में बल्कि पूरे सीरीज में। अपिश खेला है, फील्डर है पीछे, पहले बाउंस पर फील्ड करते हुए खिलाड़ी। टाइमिंग बहुत अच्छी देखने को मिल रही है ध्रुव पटेल द्वारा, और जब भी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद मिलती है तो थोड़ा सा बैट का फेस खोलते हैं, थोड़ा स्लाइस करते हैं। इस बार फील्डर को बीट नहीं कर पाए, टाइमिंग काफी अच्छी थी। अच्छे टाइमर है क्रिकेट बॉल के ध्रुव पटेल, ये कहा जा सकता है। और अब देखना है हेमंत पुंडे की क्या रणनीति रहती है, क्या सोच रहती है, क्या वो बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे या नहीं। वैसे अब ज़्यादा गेंदे तो शेष नहीं है पारी में, फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली। पॉइंट को अंदर लाया गया है हेमंत के लिए, गली में एक खिलाड़ी, शॉट थर्ड, एक्स्ट्रा कवर भी सर्कल के अंदर है, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर है, ऑन साइड में लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक खिलाड़ी है, डीप मिड विकेट और फाइन लेग की दिशा में बाउंड्री पर एक फील्डर, एक डिप स्क्वायर लेग भी है। ये चले करण केसी राउंड द विकेट, यॉर्कर की कोशिश, ड्राइव कर दिया है शॉट एक्स्ट्रा कवर की तरफ, बढ़िया दौड़ यहाँ पर, एक रन पूरा किया है और बैकअप करने के लिए फील्डर बहुत दूर थे, ओवर थ्रो का फायदा उठाते हुए 2 रन। दो तीन बार ऐसा हुआ है कि ओवर थ्रो के जरिए रन्स खर्च किए गए हैं। एक फाइटिंग टोटल की तरफ जाने का प्रयास अभी भी जारी है बड़ौदा के बल्लेबाजों का। एक समय अच्छी स्थिति में थी बड़ौदा की टीम, लेकिन पिछले कुछ ओवर्स में काफी विकेट गंवा दी। बाहर लगी है बल्ले के, फील्डर मौजूद है, बैकवर्ड पॉइंट, एक ही रन यहां पर लेने का अवसर। 10 तक, शानदार छक्का, 131 पर पहुंच चुकी है रन संख्या, महंगे साबित होते हुए करण इस ओवर में। इस बार पटकी हुई गेंद और इस बार वाइड का भी इशारा अंपायर द्वारा। देखिए थोड़े प्रयोग भी किए गए मेरे ख्याल से करण केसी द्वारा, जिस तरह से वो राउंड द विकेट जाकर गेंदबाजी कर रहे हैं, ज़रूर एक्सपेरिमेंट का मौका नेपाल के खिलाड़ियों के पास है ही, इसमें कोई शंका नहीं, क्योंकि नेपाल टीम पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है। करण केसी शायद ये भी देखना चाह रहे हैं कि वो राउंड द विकेट से जाकर कितना प्रभाव छोड़ सकते हैं, लेकिन अभी तक राउंड द विकेट से जाने की जो रणनीति रही है वो उतनी अच्छी रही नहीं है, असफल रणनीति कही जा सकती है करण केसी की। ओहो हो, और रन्स मिलेंगे, वाइट का इशारा और गेंद बाउंड्री के बाहर, 5 रन।
पूरे सीरीज में अपने चार चार ओवर्स में जितने रन्स नहीं दिए थे करण केसी ने, उतने एक ही ओवर में दे डाले हैं लगभग। बाईस रन खर्च किए हैं इस ओवर में अभी तक, और ओवर अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, एक गेंद बाकी है। 137 पर रन संख्या पहुंच चुकी है, और ये जो रन्स आए हैं ये बड़ौदा के गेंदबाजों को लड़ने की एक नई ताकत देंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट, अच्छा ड्राइव, लेकिन फील्डर मौजूद है वहां पर। सिंगल अंतिम गेंद पर स्ट्राइक अपने पास रखते हुए ध्रुआ पटेल 21 पर पहुंच चुके हैं, मात्र 9 गेंदों का सामना किया है। बहुत ही बढ़िया पारी खेलते हुए ध्रुआ अपनी टीम के लिए। 19 ओवर का खेल अब जाकर समाप्त होता हुआ, स्कोर 138 पर 7। पाँच छः ओवर्स पहले लग रहा था कि 160 का आंकड़ा भी छुआ जा सकता है, फिर पिछला ओवर शुरू होने से पहले लग रहा था कि 140 तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अब एक बार फिर से लगने लगा है कि 150 तक भी टोटल पहुंच सकता है या फिर उसके ऊपर भी। यही तो खूबसूरती है क्रिकेट खेल की, खेल बदलता रहता है, हर गेंद के बाद खेल थोड़ा सा बदलता रहता है, ऐसा क्रिकेट का खेल है और इसीलिए तो क्रिकेट के इतने सारे दीवाने हैं। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी आकाश चांद के कंधों पर, विकेट लेस है लेकिन अच्छी गेंदबाजी की है, सिर्फ 16 रन दिए थे 3 ओवर में। ओहो, लॉफ्टेड स्क्वेयर ड्राइव, लाजवाब शॉट, 6 रन। के बाहर इस गेंद को ध्रुव पटेल ने, एक से बढ़कर एक शॉट्स खेलते हुए ध्रुव पटेल। इस टूर्नामेंट का संभवतः सबसे बेहतरीन स्ट्रोक, जिस तरह से टाइम करते हुए छक्का जड़ा है ध्रुव पटेल ने। ओ, बढ़िया यॉर्कर बोल्ड किया लेकिन नो बॉल, खतरनाक यॉर्कर थी ये, लेकिन ओवर स्टेपिंग, और देखिए काफी निराश आकाश चांद। ये मुझे लगता है कि इस मैच की शायद अभी तक की सबसे तेज गेंद थी, लेकिन अभी देखना है। कि किस तरह से वापसी कर पाते हैं आकाश। अगली गेंद फ्री हिट, 27 पर बैटिंग कर रहे ध्रुव पटेल, और केवल 11 गेंदों का सामना किया है। बहुत ही उम्दा पारी के लिए, बहुत ही आकर्षक शॉट्स लगाए हैं ध्रुव पटेल ने, 2 छक्के जड़ चुके अपनी पारी में। ओ, पैडल स्वीप लगाने का प्रयास था, गेंद स्टंप्स पर टकराई जरूर है, और रनआउट के लिए तीसरे अंपायर की मदद ली गई है। काफ़ी फाइन निकालना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले से टकराने के बाद स्टंप्स पर लगी, हालांकि फ्री हिट गेंद थी तो वहां पर बॉल के रूप में तो बल्लेबाज आउट होने वाले नहीं थे। स्टंप को तो उखाड़ दिया है विकेट कीपर ने, लेकिन अच्छी तकनीक भी तो दर्शाई है बैट्समैन ने, वहां पर बल्ले को ग्राउंड करते हुए लेकर चले गए हैं। ये देखिए यहाँ से टीवी अंपायर की मदद ली गई है इस फैसले पर।
बल्ले और गेंद का संपर्क वैसे हुआ नहीं था, ये लेग 22 के रूप में रन दिया गया है। चलिए बैट्समैन नॉट आउट। आखिरकार आकाश चांद को भी सफलता मिली गई। आखिरी गेंद, ओ बढ़िया शॉट, बैक फुट पॉइंट को क्लियर करते हुए फील्डर बहुत दूर रह जाएंगे। 4 रन चौके के साथ पारी को समाप्त करते हुए जय अबाले और कुल रन संख्या 153 8 विकेटों के नुकसान पर। शायद एक गेंद और बची हुई है। थोड़ा सा करेक्शन है क्योंकि पहली दो गेंदें वो नो बॉल थी, सिक्सर जिस गेंद पर आया था वो भी नो बॉल थी। तो स्कोर 156 है। अच्छा ड्राइव, इस बार भी गैप ढूंढा है, अब की बार डीप कवर में हल्का सा फंबल वहां पर बाउंड्री लाइन के करीब, 2 रन पूरे। दो अच्छे शॉट्स वहां पर जय अबाले के बैट से, दो गेंदों में 6 रन बनाकर नाबाद रहे। ध्रुव पटेल की पारी बहुत ही उम्दा रही और उसके चलते स्कोर 156 तक पहुंच चुका है 8 विकेटों के नुकसान पर। और यही टोटल बनाया था पिछले मुकाबले में जब ये दो टीमें आमने सामने आई थी, नेपाल ने पहले बल्लेबाजी की थी, 156 ही बनाए थे और उस स्कोर को डिफेंड भी किया गया था। 157 की चुनौती इस मैच को जीतने के लिए नेपाल के सामने।
157 रनों की चुनौती इस मैच को जीतने के लिए नेपाल के सामने। साई मेकपन स्पोर्ट्स लाइव प्रेजेंट्स एसएमएस फ्रेंडशिप कप 2024 का ये छठा मैच नेपाल और बड़ौदा के बीच में। स्वागत है आप सभी का। एक अच्छा टारगेट सेट किया गया है बड़ौदा टीम द्वारा। टॉस जीता बड़ौदा के कैप्टन अभिमन्यु सिंह ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। हालांकि पहले ही ओवर में सफलता हासिल की करण का केसी ने, जब प्रियांशु मौलिया को उन्होंने शून्य पर बोल्ड आउट किया। उसके बाद जरूर 48 रनों की अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिली दूसरे विकेट के लिए अमित पासी और मोहित मोंगिया के बीच में। और एक समय ऐसे लग रहा था कि 160 से भी ज़्यादा रन्स बन सकते हैं, लेकिन फिर जैसे ही 87 पर चौथा झटका लगा उसके बाद पारी लड़खड़ आ गई थी। आखिर के ओवर्स में, खासतौर पर अंतिम दो तीन ओवर्स में बहुत ही बढ़िया बैटिंग रही। ध्रुव पटेल ने 29 रनों का अच्छा योगदान दिया, जिसके चलते 156 तक आखिरकार पहुंची है 20 ओवर्स में बड़ौदा टीम। और अब सलामी बल्लेबाज कुशल भुरतेल और उनके साथ अनिल कुमार शाह पारी की शुरुआत करने के लिए आए हैं। आज चार चेंजेस नेपाल टीम में है। अनिल कुमार शाह मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते रहे हैं इस पूरे सीरीज में, लेकिन आज ओपन करने आए हैं क्योंकि मोहम्मद आसिफ शेख विकेट कीपर सलामी बल्लेबाज इस मैच में नहीं खेल रहे हैं। पहला ओवर लेकर बायत के गेंदबाज जय अभाले तैयार होते हुए साउथ एंड से। पारी की पहली गेंद सामना करते हुए कुशल, ओ दिशा इन गेंद और इसको निकाल दिया है। काफी फाइन वाइड का इशारा, गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं हुआ था। स्विंग हुई गेंद लेकिन ये खराब गेंद थी। 5 रनों से खाता खुलता हुआ नेपाल का। भले ही 5 रन्स मिले हैं नेपाल को, लेकिन जिस तरह से गेंद हवा में स्विंग हुई है ये अच्छे संकेत जरूर है गेंदबाज के लिए, लेकिन सही लाइन पर रखना होगा गेंदों को। फिर से लेग स्टंप के बाहर भटक गया, इस बार फ्लिक कर दिया है हवा में शॉट और फील्डर से दूर खेला हुआ शॉट। 6 रन। गेंद अंदर की तरफ स्विंग हो रही है दाहिने हाथ के बैट्समैन के लिए, लेकिन लेग स्टंप के बाहर से गेंद की लाइन शुरू हो रही है और ठप्पा पड़ने के बाद और भी बाहर निकल रही है। इस बार कमाल की टाइमिंग, केवल फ्लिक करते हुए ये एफर्टलेस शॉट खेला है। कम से कम प्रयास और ज़्यादा से ज़्यादा परिणाम हासिल करते हुए कुशल बुरतेल छक्के से अपना खाता खोला कुशल ने। ये बढ़िया लाइन है, ऐसी तो लाइन की आवश्यकता है। ऑफ स्टंप के हल्का सा बाहर रखेंगे या फिर ऑफ स्टंप के लाइन में भी रखेंगे तो वहां से यदि गेंद अंदर की तरफ आएगी तो बहुत मुश्किल हो सकता है भुरतेल के लिए, लेकिन पहली दो गेंदें काफ़ी दिशाहीन रही। कभी कभी स्विंग मिलता है उसको कंट्रोल भी करना पड़ता है, जब गेंद ज़्यादा स्विंग होती है तो उस स्विंग को कंट्रोल करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है गेंदबाजों के लिए। इस बार उछाल ज़्यादा नहीं था और काफ़ी बाहर थी, ऑफ स्टंप के जाने दिया विकेट कीपर के पास। कुशल भुरतेल एक अर्धशतकीय पारी खेल चुके हैं इस सीरीज में। गुजरात के विरुद्ध 67 रनों की शानदार पारी खेली थी और 125 रनों की साझेदारी हुई थी उस मैच में पहले विकेट के लिए कुशल भुरतेल और मोहम्मद आसिफ शेख के बीच में। मोहम्मद आसिफ ने उस मैच में 85 रनों की पारी खेली थी। आज मोहम्मद आसिफ टीम में नहीं है। अनिल शाह को यहाँ पर ओपनिंग करने का मौका दिया गया है। इस बार बहुत ही ऑफ स्टंप के बाहर वाइड बल्ला तो फेंक दिया था, लेकिन कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले के बीच में। पहली दो गेंदें लेग स्टंप के काफ़ी बाहर की थी, इसमें से पहली गेंद तो वाइड हुई थी, उस पर चौका भी चला गया था और अब ये ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर दिशा इन गेंद।
देखिए जो कंडीशंस है उसको देखते हुए बॉलर्स के लिए यहाँ पर मदद ज़रूर है। नई गेंद खास तौर पर हिलती है यहाँ पर, हमने हर मैच में देखा है कि नई गेंद स्विंग हुई है, लेकिन उसके लिए आपकी लाइन और लेंथ भी उतनी सटीक होनी चाहिए, तब जाकर आपको सफलता मिलेगी। और आपके बाद लेग स्टंप के बाहर, और विकेट कीपर से रुकी नहीं है ये गेंद, यहाँ पर भी कुछ अतिरिक्त रन मिलेंगे। हालांकि बाउंड्री लाइन के करीब अच्छा एफर्ट। हाँ, वाइड गेंद है, दोनों तरफ गेंद स्विंग हो रही है। लेकिन यदि आप लेग स्टंप के बाहर गेंद को स्विंग कराओगे तो फिर उसका फायदा तो बल्लेबाजी करने वाली टीम को ही मिलने वाला है। 15 रन आ चुके हैं, मात्र 3 गेंदे हुई है इस पहले ओवर में, और नेपाल टीम के बल्लेबाजों को इससे कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से रन आते रहेंगे तो उसका स्वीकार ही किया जाएगा। फिर से लेग स्टंप पर गेंद फ्लिक कर दिया है, अच्छी टाइमिंग, लेकिन इस बार सीधे फील्डर के पास डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, 1 रन पूरा करते हुए बैट्समैन कुशल भुरतेल। बल्ले से 7 रन आए हैं, लेकिन अतिरिक्त रन्स 9 पहले ही ओवर का खेल जारी। 157 बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए 20 ओवर्स में टीम नेपाल को। नेपाल टीम अभिजीत है इस सीरीज़ में, ये चौथा मुकाबला है नेपाल का, पहले तीनों मुकाबले जीते हैं और फाइनल में तो जगह बना ही ली है, लेकिन आज भी इस मैच को जीतते हुए मोमेंटम लेकर जाना चाहेंगे फाइनल मुकाबले में। सटीक लाइन पर रखेंगे तो ज़रूर बल्लेबाजों को खामोश रख सकते हैं। कभी-कभी लगता है कि गेंदबाज को बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह से गेंद स्विंग हो रही है उसको देखते हुए केवल सही टप्पे पर और सही लाइन पर गेंदबाजी करनी है, और यहाँ पर विकेट बहुत कुछ कर सकता है आपके लिए। कंडीशंस आपके लिए कहीं ना कहीं अनुकूल है, हवाएं बह रही है और उस हवा के साथ भी गेंद स्विंग होती हुई नज़र आई है इस ओवर में। बढ़िया लाइन, इस बार ढीले हाथों से खेला था, बाहरी किनारा, गेंद थर्ड मैन की तरफ चली गई है। अपना पहला रन बनाते हुए इस मुकाबले में अनिल कुमार सा, मिडिल ऑर्डर में अच्छी बल्लेबाजी की है उन्होंने इस सीरीज़ में, लेकिन आज टॉप ऑर्डर में खेल रहे हैं। आखिरकार ये पहला ओवर समाप्त होता हुआ, काफ़ी लंबा चला जया भाले का ओवर और काफ़ी खर्चीले भी साबित हुए। एक ओवर के बाद 17 बिना किसी नुकसान के नेपाल। इस मैच में करण केसी का एक ओवर काफ़ी खर्चीला देखा हमने, जो कि 19वां ओवर था बड़ोड़ा की पारी में, और उस ओवर में भी काफ़ी दिशाहीन गेंदबाजी हुई थी। 23 रन खर्च किए थे करण केसी ने उस ओवर में, और जवाब में देखिए पहले ही ओवर में 17 रन खर्च किए हैं जया भाले ने, और अब लक्षित आए हैं गेंदबाजी के लिए। पिछला मैच मिस किया था लक्षित ने, आज एक बार फिर से उनको मौका दिया गया है। पहली गेंद खतरनाक ढंग से ऊपर उठी और जबरदस्त कैच, बहुत ही शानदार कैच मोलिया द्वारा, बल्कि रावत है, जहां शाश्वत रावत ने लपका है कैच, और सफलता लक्षित के खाते में पहली गेंद पर। 17 पर पहला झटका टीम नेपाल को।
नए बल्लेबाज गुलशन झा आए हैं वन डाउन खेलने के लिए। एक रन बनाने के बाद आउट हुए अनिल कुमार सा। लक्षित की पहली गेंद बहुत ही खतरनाक गेंद थी, हल्की सी पीछे रखी हुई गेंद थी, लेकिन हल्की सी मूवमेंट और थोड़ा अतिरिक्त उछाल था, उसको संभाल नहीं पाए बल्लेबाज अनिल कुमार सा। और इससे बढ़िया शुरुआत नहीं हो सकती थी लक्षित के लिए इस मैच में। इट्स अ ड्रीम स्टार्ट फॉर लक्षित तोक्सिया। कट किया है, थोड़ी जगह मिली थी वहां पर। सिंगल से खाता खुला है गुलशन झा का। बढ़िया लाइन, काफी कंट्रास्ट नजर आ रहा है दोनों भी गेंदबाजों की गेंदबाजी में। पहला ओवर काफी दिशाहीन था जया भाले द्वारा, लेकिन लक्षित ने उनके विपरीत शुरुआत की है। एक्यूरेट नजर आ रहे हैं लक्षित। अच्छा, बाबा खान टीम में नहीं है, लक्षित को मौका दिया गया है उनकी जगह पर। इस बार विट दी है, ओ बढ़िया एफर्ट था डीप में, लेकिन गेंद रुकी नहीं है। 4 रन मिलेंगे। बहुत ही शानदार शॉट इस बार, थोड़ा सा उछाल जरूर था इस गेंद में, लेकिन पूरे कंट्रोल के साथ कट करते हुए गैप में खेला और 4 रन बटोर लिए मुर्तेल ने। थोड़ी भी कमजोर गेंद मिलती है तो उस पर प्रहार करने से चूकते नहीं है, विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं कुशल मुर्तेल। जबरदस्त गेंद, इस बार गेंद ने हरकत की है। हाई आर्म बॉलिंग एक्शन, गुड लेंथ से वहां पर गेंदों को थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए छिड़कानी करने की कोशिश हुई थी बैट्समैन द्वारा, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ था। इस बार बैट का फेस जानबूझकर खोला है और थर्ड मैन की तरफ दिशा दिखाई है गेंद को। सिंगल के साथ इस ओवर की समाप्ति, सफल रहा लक्षित का पहला ओवर, 6 रन देकर 1 विकेट उनके खाते में। 2 ओवर्स के बाद 23 पर 1 नेपाल। जय भाले कंटिन्यूज। आपके बार अराउंड द विकेट आए हैं। और क्या यह सही फैसला रहेगा जय भाले का अराउंड द विकेट से गेंदबाजी करना, क्योंकि
इस समय दाहिने हाथ के बल्लेबाज उनके सामने है कुशल भुरतेल। इस तरह से बल्लेबाजी रही बड़ौदा की। हमिद पासी ने 26 बनाए, 22 मोहित के खाते में, मौलिया खाता नहीं खोल पाए। 31 रनों की अच्छी पारी शाश्वत रावत ने खेली जो कि टॉप स्कोरर रहे, और अंत में वहां पर 29 रनों का योगदान ध्रुव पटेल का। हवा में गेंद लेकिन वहां पर कोई खिलाड़ी नहीं है, डीप थर्ड मैन पर गेंद सीमा रेखा के बाहर और 4 रन। ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड चौका, कुशल भुरतेल के बल्ले से आगे निकले थे, जोरदार तरीके से स्लैश किया। थर्ड मैन की तरफ तो नहीं खेलना चाहते थे, पॉइंट के ऊपर से जाने का प्रयास था लेकिन किनारा लेकर गेंद निकल गई पहले बाउंस पर बाउंड्री लाइन के बाहर। हालांकि ज़्यादातर हमने देखा है कि पावर प्ले में थर्ड मैन पर फील्डर तैनात किया गया है, लेकिन इस दफ़ा थर्ड मैन बाउंड्री पर कोई खिलाड़ी नहीं था, थर्ड मैन सर्कल के अंदर था, उसका फ़ायदा मिला है कुशल भुरतेल को। निकल के खेला है, इस बार सीधे फील्डर के पास, डीप बैकवर्ड्स पर लेग पर आसान सा कैच और कुशल भुरतेल के पारी पर लगता हुआ पूर्ण विराम। जय अभाले के खाते में पहली सफलता, 27-2 नेपाल। कुशल भुरतेल जब तक क्रीज पर रहते हैं वहाँ पर एक्साइटमेंट बना रहता है और बॉलर्स के पास भी मौके तो बनते हैं क्योंकि ज़्यादा आक्रामक खेलने का प्रयास करते हैं। थोड़ी पटकी हुई गेंद थी और इन टू द रिप कैच वो गेंद की गई थी, आगे निकले थे बल्लेबाज और वहीं से पुल किया उन्होंने, लेकिन फील्डर मौजूद था और शॉर्ट बॉल के लिए वहाँ पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात किया गया था। तो जो रणनीति बनाई गई थी यहाँ पर बड़ौदा के कैप्टन द्वारा वो सही साबित हुई है, सफल साबित हुई है। प्रियांशु मौलिया ने अच्छा कैच लपका है, खतरनाक नजर आ रहे थे भुरतेल। ये देखिए आगे निकल कर फ्रंट फुट से पुल शॉट खेला उन्होंने, फील्डर से दूर नहीं खेल पाए और काफ़ी निराश अपना बल्ला देखते हुए आउट होने के बाद कुशल भुरतेल 16 रन बनाकर आउट हुए। शुरुआती ओवर्स में सफलताएं चाहिए थी बड़ौदा को, वो सफलताएं मिल गई है। दोनों भी प्रारंभिक बल्लेबाज आउट हो चुके हैं और अब कप्तान दीपेंद्र सिंह ऐरी नंबर 4 पर नेपाल के लिए। बल्लेबाजी का ज़्यादा टेस्ट हुआ नहीं है दीपेंद्र सिंह ऐरी के इस सीरीज में। ओहो, पैर चले नहीं थे आते ही एक जोरदार ड्राइव लगाने का प्रयास। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में, अच्छे रिदम में लग रहे हैं गेंदबाज जय अभाले। पहले ओवर में हालांकि उनकी गेंदें काफ़ी स्विंग हुई लेकिन बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रख पाए थे अपनी दिशा पर, और विकेट के दोनों तरफ गेंदबाजी कर रहे थे खासतौर पर कुशल भुरतेल के विरुद्ध। पहले तो लेग स्टंप के बाहर भटक रहे थे, उसके बाद ऑफ स्टंप के बाहर भी दिशाहीन गेंदबाजी की थी उन्होंने। 17 रन आए थे उस ओवर से, इस ओवर में एक बाउंड्री आई लेकिन उसके बाद कम बैक किया है, इस बार बाहर की तरफ लेकर गए हैं दीपेंद्र सिंह ऐरी। बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज है वैसे देखा जाए तो, और T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इनके नाम सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड है। एशियन गेम्स में मंगोलिया के विरुद्ध 9 गेंदों में अर्धशतकीय पारी खेली थी। ये ज़रूर है कि मंगोलिया का जो बॉलिंग आक्रमण था वो काफ़ी इनएक्सपीरियंस, लेकिन फिर भी कैसा भी बॉलिंग आक्रमण क्यों ना रहे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब आप खेलते हो तो वहाँ पर इस तरह की दुआदार बैटिंग करना वाकई में काबिले तारीफ। बहुत अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में जय अभाले द्वारा, 5 रन इस ओवर से आए और एक सफलता जय अभाले को मिली। 3 ओवर का खेल समाप्त, 28-2।
ध्रुव पटेल की 29 रनों की पारी 14 गेंदों में, जिसने इम्पैक्ट डाला है इस मैच पर और आखिरकार एक अच्छा टारगेट सेट किया गया है। टॉप ऑफ द ऑर्डर अमित पासी ने अच्छा योगदान दिया, 26 बनाए। मोहित को स्टार्ट मिला लेकिन बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए और शश्वत रावत ने खासतौर पर बहुत ही खूबसूरत शॉट्स खेले, 31 रनों की पारी खेली। ये गेंदबाज तो किसी अलग ही विकेट पर ऐसे लग रहा है गेंदबाजी कर रहे हैं, मूवमेंट बाउंस सब कुछ देखने को मिल रहा है लक्षित तोक्सिया द्वारा। रोमांचक मैच की उम्मीद है दर्शकों को। सिंगल लेकर नॉन स्ट्राइकर से इन पर चले गए हैं दीपेंद्र सिंह एरी। थोड़ा सा लेग स्टंप की तरफ झुकाव था इस गेंद का, हल्के हाथों से टर्न करते हुए सिंगल लिया है। अभी तक इस सीरीज में हमने देखा है कि नेपाल के लिए जो रन्स बनाए हैं वो मोहम्मद आसिफ ने रन्स बनाए हैं, साथ में रोहित कुमार ने भी ज़रूर थोड़ी बहुत रन्स बनाए हैं, लेकिन आज रोहित नहीं है। कुशल मल्ला 41 रनों की शानदार पारी खेल चुके हैं। बेहतरीन कैच, बहुत ही सुंदर कैच स्लिप की दिशा में और विकेट लक्षित के खाते में। प्रियांशु मौलिया थे वहां पर, अंपायर क्या चेक करना चाहेंगे इसको ये देखने वाली बात है। बल्लेबाज तो निकल पड़े हैं 29 पर 3। बहुत ही बेहतरीन कैच प्रियांशु मौलिया द्वारा, जमीन से थोड़ा सा ऊपर ये कैच लपकाए उन्होंने। स्लिप कैचिंग एक अलग प्रकार की कला होती है और स्लिप में स्पेशलिस्ट खिलाड़ी रहते हैं। यहाँ पर प्रियांशु को इससे पहले हमने डीप में देखा था, वहाँ पर भी कैच लपका था उन्होंने। कुशल भुरतेल का कैच लपका था और आपके बार गुलशन झा का कैच लपका है। थर्ड मैन की तरफ खेलने का प्रयास था और ये हमेशा रिस्की रहता है जब स्लिप में या फिर गली में खिलाड़ी रहता है, आप थर्ड मैन की तरफ खेलने का प्रयास करते हो, आपको वहाँ पर रन्स शायद एक ही मिल जाता लेकिन जोखिम ज़्यादा और उसमें फंस गए हैं। शानदार गेंदबाजी लक्षित की, 2 विकेट सब उनके खाते में। दूसरा ओवर कर रहे अपना लक्षित तोक्सिया। गुलशन केवल 1 रन बनाकर पवेलियन में लौटे हैं। गुलशन ने गेंदबाजी तो बहुत अच्छी की है इस सीरीज़ में लेकिन बल्ले से उतना खास योगदान नहीं दे पाए हैं। और अब संदीप जोरा, जब प्रयोग किए जाते हैं तो वहां पर बल्लेबाजों के क्रम भी बदलते रहते हैं। हमने देखा है कि प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर अनिल कुमार सा आए और नई गेंद को वो ठीक तरह से संभाल नहीं पाए, लक्षित की गेंद पर आउट हुए। उछाल लेती हुई गेंद थी वो लक्षित की, तो इतना आसान नहीं होता है आप के जब क्रम बदले जाते हैं बतौर बल्लेबाज, अचानक से एक अलग पोजीशन पर आकर आपने आपको ढालना निश्चित रूप से थोड़ा मुश्किल रहता है। एक और खूबसूरत गेंद, बहुत ही शानदार लाइन पर गेंदबाजी, 4थे 5वें स्टंप की दिशा में गेंद को रखते हुए गुड लेन पर गेंदबाजी। गुड लेन से भी गेंदों को ऊपर उठाने की क्षमता है लक्षित के पास। अच्छे लंबे ऊंचे कद की गेंदबाज है और बॉलिंग एक्शन हम देखें तो हाई आर्म बॉलिंग एक्शन है, उस वजह से भी जरूर वो एक
सहायता मिलती है गेंद को थोड़ा ऊपर लेकर जाने के लिए। एक हद गेंद थोड़ी सी नीचे रही है, लेकिन ओवरऑल अच्छा विकेट है। मैं समझता हूँ बॉलर्स के लिए भी कुछ ना कुछ है इस विकेट में। बल्लेबाज सही टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए खेलेंगे तो वो रन्स बना सकते हैं। संदीप जोरा का खाता खोलना भी बाकी है। एक और खूबसूरत गेंद, इस बार गेंद के लाइन के अंदर खेल बैठे थे और पूरी तरह से चकमा खा गए, बाल बाल बच गए। कमाल की गेंदबाजी लक्षित द्वारा, एक और सफल ओवर की समाप्ति। 4 के बाद 29 पर 3 नेपाल। छियानवे गेंदे यानी कि 16 ओवर्स का खेल बचा हुआ है। 128 रन और बनाने हैं यहां से इस मैच को जीतने के लिए नेपाल को। नेपाल टीम तो चाहेगी कि ये मुकाबला भी जीता जाए और लगातार 4 मुकाबले जीतकर फाइनल में उतरे। गुजरात के विरुद्ध फाइनल मुकाबला खेलना है इस सीरीज का नेपाल को। त्रिकोणीय श्रृंखला गुजरात बड़ौदा और नेपाल के बीच में, साई मेकपन स्पोर्ट्स लाइव क्रिकेट ग्राउंड वापी गुजरात, ये वेन्यू है इस सीरीज का। बहुत ही खूबसूरत ये मैदान है और सभी जो खिलाड़ी है, तीनों भी टीमों के खिलाड़ी, वो काफ़ी खुश है यहाँ के हॉस्पिटैलिटी को लेकर। खिलाड़ियों से लगातार बातचीत होती रही है। और अब स्पिन आक्रमण, हेमंत पुंडे, बढ़िया एफर्ट, बढ़िया एफर्ट वहाँ पर। एक एक रन की अहमियत पता होनी चाहिए बतौर खिलाड़ी आपको, जब आप क्रिकेट का खेल खेलते हो। थोड़ी सी बैट के अंदर लगी थी और यहाँ पर ऐसे लगा था कि सिंगल मिलेगा, लेकिन बहुत ही शानदार क्षेत्ररक्षण। कदमों का इस्तेमाल किया है और वहां पर फील्डर मौजूद है डीप में, बढ़िया कैच परीक्षित द्वारा। हिम्मत जुटाई जरूर थी दीपेंद्र सिंह ऐरी ने, लेकिन फील्डर से दूर नहीं खेल पाए और पूरी तरह से टाइम भी नहीं कर पाए। पुंडे के खाते में सफलता, बॉलिंग चेंज एक बार फिर से रंग लाता हुआ, और ये ज़्यादातर देखने को मिला है जब जब बॉलिंग चेंजेस हुए हैं, ज़्यादातर मौक़ों पर विकटें मिली है गेंदबाजों को। नीलकंठ विकेट का पतन, दीपेंद्र सिंह ऐरी पवेलियन की राह पर। लड़खड़ा रही है नेपाल की पारी इस रनचेज में। 29 पर 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। विवेक कुमार यादव अब नए बल्लेबाज के रूप में मैदान में। कल के मैच में स्पिनर्स का बोल बाला रहा था, ये देखिए आगे निकले जरूर थे लेकिन गेंद के पिच तक नहीं थे, थोड़ा दूर रखा था उस गेंद को और अपने चाल में आखिरकार फंसा लिया दीपेंद्र सिंह ऐरी को हेमंत पुंडे ने। सॉलिड इन डिफेंस विवेक कुमार यादव, थोड़ा सा वक्त ले सकते हैं क्योंकि इस समय टीम की जो स्थिति है वो काफी नाजुक है। बढ़िया गेंदबाजी,
लगातार विकेट टू विकेट डाल रहे हैं नए बैट्समैन के विरुद्ध। विकेट मेडन, शानदार ओवर की समाप्ति, 29 पर 4, 5 ओवर का खेल समाप्त। आज बड़ौदा टीम के पास जीत दर्ज करने का एक जबरदस्त मौका नजर आ रहा है इस समय। 157 रनों का पीछा करते हुए नेपाल टीम बैकफुट पर, पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर लक्षित तोक्सिया, और लक्षित का ये लगातार तीसरा ओवर है। एक स्लिप मौजूद वहां पर, निरंतरता देखने को मिल रही है अच्छी गेंदों में लक्षित द्वारा। दाहिने हाथ के बैट्समैन के विरुद्ध खास तौर पर ऑन एंड अराउंड ऑफ स्टंप गेंदबाजी की है उन्होंने, और सही टप्पे पर। देखिए बाबा खान को भी हमने देखा जिन्होंने गेंदबाजी में वाकई में प्रभावित किया। आज हालांकि नहीं खेल रहे, लेकिन लक्षित और बाबा की गेंदबाजी लगभग एक जैसी लगती है। हालांकि ज़रूर लेंथ में थोड़ा सा परिवर्तन है, हम देखें तो बाबा खान थोड़ा और पीछे रखते हैं, लेकिन थोड़े सिमिलर लगते हैं। बॉलिंग एक्शन भी थोड़ा सा मिलता जुलता है। ओ, बाहर की तरफ निकाला इस बार, जबरदस्त गेंदबाजी। पहली दो गेंदें बिल्कुल ऑफ स्टंप की तरफ थी, लाइन में थी ऑफ स्टंप के, ये ऑफ स्टंप के बाहर और थोड़ी आगे रखी हुई गेंद थी, अवे मूवमेंट। स्लिप में फील्डर मौजूद है और वहां पर किस्मत अच्छी है बल्लेबाज की कि किनारा लगा नहीं। संदीप जोरा स्ट्रगल करते हुए 6 गेंदे के लिए, अभी तक खाता खुला नहीं है। इस बार और ज़्यादा ऊपर रखी हुई गेंद, शॉर्ट कवर में फील्डर मौजूद है, वहाँ पर सीधे फील्डर के पास खेला। पहले मैच में भी चुनौती तो पेश की थी बड़ौदा टीम ने नेपाल के सामने। उस मैच के पहले 15 ओवर से यदि हम देखें तो कहीं ना कहीं बड़ौदा टीम का दबदबा रहा था, उनके गेंदबाजों का दबदबा रहा था। अच्छा स्क्वेयर ड्राइव, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए, मोहित मौजूद है वहाँ पर। तो उस मैच में हमने देखा था कि कुशल मल्ला ने आखिर के 5 ओवर्स में धुआंधार बैटिंग की थी, और संदीप जोरा ने भी अच्छी पारी खेली थी 29 रनों की उस मैच में। उन दो बल्लेबाजों के चलते 156 रन बनाए गए थे, और इस मैच में देखिए 156 बड़ौदा ने बनाए हैं। ये आंकड़ों का खेल यहाँ पर चलता हुआ। उस मैच में बड़ौदा की पारी लड़खड़ा गई थी रनचेज में, अब की बार नेपाल की पारी लड़खड़ा रही है। और ये शॉट में ज़रूर कॉन्फिडेंस था, लेकिन बढ़िया फील्डिंग शॉट कवर में, परीक्षित पाटीदार वहाँ पर ऑन द राइज खेला था, ज़बरदस्त फील्डिंग, निश्चित रूप से रन्स बचाया है। ये गेंद तेज़ निकल रही थी और यदि ये फील्डर के हाथ में नहीं आती तो शायद 4 रन भी मिल सकते थे। एक और मेडन ओवर, 29 पर 4। बड़ौदा की गेंदबाजी और नेपाल की बल्लेबाजी, पावर प्ले का खेल यदि हम देखें दोनों भी मैचेस का, तो उसमें पूरी तरह से हावी रहे हैं बड़ौदा की गेंदबाज। पिछली बार पावर प्ले में सिर्फ 26 रन दिए थे और 2 विकेट्स चटकाए थे बड़ौदा के गेंदबाजों ने, आज उससे भी बेहतर प्रदर्शन किया है। 29 रन देकर 4 सफलताएं और उसमें 2 मेडन ओवर्स। मोहित आक्रमण पर, जानबूझकर बैट का फेस खोला है इस दफा, लेकिन फील्डर जो है वो काफी सतर्क, शॉट थर्डमैन को बीट नहीं कर पाए। गेंदबाज की गति का इस्तेमाल करते हुए यह शॉट खेला गया था, थोड़ी तेज गेंद, और देखिए जैसे
मीडियम पेसर्स की गेंदों में स्विंग देखने को मिलता है, वैसी गेंद स्विंग हुई थी ये नई गेंद। जब स्पिनर्स भी डालते हैं थोड़ा तेज करते हैं तो ज़रूर वो थोड़ी सी स्विंग नज़र आती है। इस बार स्टंप्स की तरफ चले गए थे, ऑन साइड में मोड़ दिया है और दो की कॉल है यहाँ पर। ज़बरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट्स, मिड विकेट की दिशा में सर्कल के अंदर कोई खिलाड़ी नहीं था और बहुत ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं खेला था, फील्डर डीप में मौजूद थे, उसका फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर अच्छा तालमेल संदीप जोरा और विवेक यादव के बीच में। अब जाकर 11वीं गेंद पर खाता खुला है संदीप जोरा का इस दुखे के साथ। काफ़ी समय लिया है, पिछले 2 ओवर्स लगातार मेडन रहे हैं। रिक्वायर रेट लगातार बढ़ता हुआ, पारी की शुरुआत में 8 से नीचे था लेकिन अब और ऊपर चला गया है। नौ दशमलव 3-0 रन प्रति ओवर का है यहां से रिक्वायर रेट। फिलहाल पारी को थोड़ी स्थिरता देने का प्रयास हो रहा है बल्लेबाजों द्वारा। ये कमजोर गेंद है और इस बार बिल्कुल गैप में टर्न कर दिया है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग से फील्डर आते हुए गेंद पर। तब तक 2 रन लेने का मौका, थोड़ी छोटी भी थी गेंद और लेग स्टंप की तरफ आ रही थी, कोई दिक्कत नहीं हुई बैट्समैन को, आसानी से 2 रन बटोर लिए। 7 ओवर्स का खेल इसके साथ ही समाप्त होता हुआ। नेपाल का स्कोर 35 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। एक और बॉलिंग चेंज, ध्रुव पटेल अब आक्रमण पर आते हुए। नेपाल ने 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया था और अब ये 8वें ओवर में ही हम देख रहे हैं कि 6ठे गेंदबाज का इस्तेमाल किया गया है बड़ोड़ा के कैप्टन द्वारा। हालांकि बॉलिंग बहुत ही ज़बरदस्त रही है अभी तक इस मैच में बड़ोड़ा की। ध्रुव पटेल जिन्होंने बैटिंग काफ़ी अच्छी की है, आज दिन हो सकता है और हो सके कि गेंद से भी कमाल करे। एक और लंबे ऊंचे कद के मध्यम गति के तेज बॉलर बड़ोड़ा की ओर से पहली गेंद अंदर की तरफ आई थी, काफी कटी थी गेंद टप्पा पड़ने के बाद। बॉलर्स को लगातार रोटेट करते रहे हैं बड़ोड़ा के कैप्टन अभिमन्यु सिंह। कल के मैच में कप्तान ने भी गेंदबाजी की थी और काफी महंगे साबित हुए थे स्पिनर्स को, खास तौर पर किस एंड से लाना है ये पहले कुछ ओवर्स में समझ नहीं पाए थे, थोड़ा लेट रियलाइज़ किया था उन्होंने क्योंकि नॉर्थ एंड से ज़्यादा मदद मिल रही थी और वहाँ से उन्होंने जब स्पिनर्स को लाया तो ज़रूर काफ़ी असरदार साबित हुए थे बड़ोड़ा के स्पिन गेंदबाज। बतौर कप्तान ना तो आपको बहुत ही सजग रहना पड़ता है क्रिकेट के खेल में, छोटी छोटी चीज़ें होती है कि कौन से गेंदबाज को कौन से एंड से गेंदबाजी देनी है, कौन से बल्लेबाज के सामने कौन से गेंदबाज को लाना है, किस तरह का फील्ड प्लेसमेंट देना है, बहुत सी चीज़ें जिनका बड़ा महत्व रहता है। यहाँ पर तेज सिंगल लेने का प्रयास, जोखिम भरा हो सकता था लेकिन रॉन्ग एंड थ्रो। बहुत बढ़िया इन कटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये देखिए विकेट कीपर वाले छोर पर मेरे ख्याल से मौका थोड़ा जल्दी बन सकता था क्योंकि वो जो एंड था वो डेंजर एंड था, फील्डर वहाँ पर नज़दीक थे।
लेकिन नॉन स्ट्राइकर से इन पर डायरेक्ट हिट करने की कोशिश और उसमें भी निशाना चूक गया। बहुत ही शांत और खामोश खेल चल रहा है इस समय साई मेकपन स्पोर्ट्स लाइव क्रिकेट ग्राउंड वापी में। ज्यादा गति नहीं दे रहे हैं, यहां पर डायरेक्ट हिट। अब की बार देखना है बल्लेबाज पहुंच पाए हैं या नहीं, दूसरा रन भी लेते हुए, लेकिन क्या पहला पूरा हुआ है या नहीं, थर्ड अंपायर की मांग की गई है। कवर में फील्डर मौजूद थे, वहां पर जोखिम ज्यादा उठाया गया है और डायरेक्ट हिट पर मामले बहुत ज्यादा नजदीकी हो जाते हैं, लेकिन आ गया है अंदर। जी हाँ, पहुंच गए हैं तो दो रन यहां पर मिलेंगे। संदीप ने शॉट खेला था और संदीप ही वहां पर नॉन स्ट्राइकर से इन पर सुरक्षित पहुंचे। धीमी शुरुआत रही है संदीप जोरा की इस पारी में, वैसे काफ़ी बिजी प्लेयर माने जाते हैं संदीप को, देखा हमने साथ में अनिल कुमार साह जो मिडिल ऑर्डर में काफ़ी बिजी प्लेयर रहे हैं, जिस तरह की बैटिंग उन्होंने की है, लेकिन आज एक अलग प्रकार की शुरुआत है संदीप की, क्योंकि विकेट जल्दी गिरी है। शॉर्ट बॉल से थोड़ा सा टेस्ट किया इस बार बैट्समैन को, बॉडी की तरफ जब गेंद आती है, ऊंचे कद के गेंदबाज गेंदबाजी करते हैं तो वहां पर जरूर कई बार बल्लेबाजों को थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन अच्छा खेला था उस शॉर्ट बॉल को, फाइन लेग की तरफ खेलते हुए सिंगल लिया है संदीप जोरा ने। अब स्ट्राइक विवेक यादव के पास, चार पर बल्लेबाजी करते हुए। हल्के हाथों से खेला है, सॉफ्ट एंड पुश और अंतिम गेंद पर सिंगल, 6 रन ध्रुव पटेल के पहले ओवर से, 8 समाप्त, 41 पर 4। बारह ओवर्स में 116 रन यहाँ से और बनाने हैं नेपाल टीम को मैच जीतने के लिए। हेमंत पुंडे ने ओवर लेकर पहली गेंद को सामने खेल दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ, आसानी से यहाँ पर 1 रन मिलेगा। शांति जरूर है इस समय मैदान में, लेकिन ये तूफान के आने से पहले जो शांति होती है वो भी हो सकती है। रुक कर खेल रहे आज संदीप जोरा, कोई भी बड़ा शॉट अभी तक नहीं खेला है। 29 पर चौथा झटका लगा था और उसके बाद जरूर थोड़ा समय तो बिता लिया है इन दो बल्लेबाजों ने क्रीज पर। 18 गेंदे संदीप ने के लिए, 9 गेंदों का सामना विवेक ने किया है। बेहतरीन गेंद इस बार खींचा था थोड़ा सा फ्रंट फुट पर बैट्समैन को और गेंद टर्न हुई है, लेकिन विकेट कीपर के ग्लव्स में बैठी नहीं, थोड़े ऑफ बैलेंस हो गए थे बल्लेबाज फ्रंट फुट पर। ये देखिए मौका बन रहा था वहां पर आर्बर। लेफ्ट आर्म स्पिनर्स जो होते हैं वो आर्मर का बहुत चतुराई से इस्तेमाल करते हैं, डैनियल विटोरी को खासतौर पर हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। आजकल तो क्रिकेट काफ़ी बदल गया है। एक और अच्छा ओवर यहाँ पर, बहुत जल्दी ओवर समाप्त किया है हेमंत ने, सिर्फ 2 रन खर्च किए इस ओवर में, 43 for 4। ये वो मौका, देखिए पैर तो लाइन के बाहर लगभग आ ही गया था
और मुझे लगता है कि चतुराई दिखाते विकेट की, पर तो शायद वो पैर उनका लाइन पर ही रहता और विकेट मिल सकता था। मौका क्रिएट जरूर किया था हेमंत पुंडे ने। आज बहुत ही कंट्रोल के साथ गेंदबाजी कर रहे हेमंत पुंडे और सभी गेंदबाजों ने अभी तक प्रभावशाली गेंदबाजी की है बड़ौदा की ओर से। ध्रुव पटेल एक और धीमी गति की गेंद के साथ। कल के मैच में जयमीत पटेल को हमने देखा था, एक भी तेज गेंद नहीं डाली उन्होंने, जो कि मध्यम गति के तेज गेंदबाज है गुजरात के, लगातार धीमी गति से गेंदबाजी कर रहे थे और सफल भी साबित हुए। तो स्लोअर बॉल्स पर रन्स बनाना यहाँ पर और ज़्यादा मुश्किल लग रहा है उसको समझते हुए ध्रुव पटेल। पहले ओवर में भी ज़्यादातर धीमी गति से गेंदबाजी की थी उन्होंने। बाहरी किनारा, लेकिन स्लिप में खिलाड़ी नहीं, बढ़िया फील्डिंग पुंडे द्वारा डीप थर्ड मैन पर। अचानक से पिक्चर में आ गए वहां पर हेमंत पुंडे, अवे फ्रॉम द बॉडी, कवर्स में खेलना चाहते थे, फुटवर्क की कमी थी, लेकिन यहां पर देखिए जबरदस्त एफर्ट, 100% कमिटमेंट, बाउंड्री बचाने में कामयाब रहे हेमंत पुंडे। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। गियर्स चेंज करने होंगे बल्लेबाजों को, क्योंकि जो रिक्वायर्ड रेट है वो काफ़ी बढ़ गया है, 10 के ऊपर चला गया है। यहाँ से 10.59 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने हैं। थोड़ा आगे निकले थे लेकिन कोई मौका नहीं दिया बड़ा शॉट खेलने का बैट्समैन को ध्रुव पटेल ने। बढ़िया गेंदबाजी, हाथ खोलने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं दे रहे हैं ध्रुव पटेल, और दोनों छोर से दबाव बनाया हुआ है गेंदबाजों ने। हेमंत पुंडे भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर, और दूसरे छोर से ध्रुव पटेल। नई गेंद का भी बहुत अच्छा इस्तेमाल किया लक्षित ने, खासतौर पर 2 विकेट्स उनके खाते में अभी तक इस पारी में। फिर से वही लाइन ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर वाली गेंद, डायरेक्ट हिट लगा जरूर है लेकिन बहुत तेज गति से पहुंचे थे अपने क्रीज में बल्लेबाज। थोड़ी अंदर की तरफ आती हुई गेंद थी, विवेक कुमार हल्के हाथों से खेलते हुए, और ये देखिए काफी आगे निकले थे, काफी अंदर पहुंच गए थे वहां पर। एक और किफायती ओवर चलता हुआ ध्रुव पटेल का। यहाँ से अभी भी 112 रन और चाहिए इस ओवर के बाद, सिर्फ 10 ओवर्स का खेल शेष रहेगा इस मैच में। फिर से बाहरी किनारा लगा है और फिर से हेमंत पुंडे वहां पर मौजूद है डीप थर्ड मैन पर। संदीप जोरा जरूर आप कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा इंटेंट नजर आ रहा है, हाथ खोलने की कोशिश हो रही है लेकिन बॉलिंग में जो सटीकता है उसके चलते अभी तक ज्यादा मौके मिले नहीं है बल्लेबाजों को। बाउंड्रीज का कहीं ना कहीं सूखा पड़ा हुआ है इस पारी में। कुशल भुरतेल ने धुआंधार शुरुआत की थी, और याद रहे कि पहले ओवर में 17 रन आए थे नेपाल के लिए, विकेट भी नहीं गिरा था, लेकिन अब 10वां ओवर समाप्त होने को है और अभी तक 50 का आंकड़ा छू नहीं पाई है नेपाल की टीम। फील्डर है शॉर्ट कवर्स में, डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। 10 ओवर्स के बाद 46/4 नेपाल अभी भी बैकफुट पर। बचे हुए 10 ओवर्स में 111 रन चाहिए नेपाल को यह मैच जीतने के लिए, और वक्त हो चला है इस समय ड्रिंक्स ब्रेक का।
शिकंजा कसा हुआ है इस समय वापी गुजरात में इस मुकाबले में बड़ौदा के गेंदबाजों ने, लेकिन खेल में पासा पलटते देर लगती नहीं है। यह क्रिकेट का खेल है। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है साई मैकपन स्पोर्ट्स लाइव प्रेजेंट्स एसएमएस फ्रेंडशिप कप 2024 में नेपाल बनाम बड़ौदा। 111 रनों की दरकार है बचे हुए 10 ओवर्स में नेपाल को मैच जीतने के लिए। पहले 10 ओवर्स में सिर्फ 2 चौके लगे हैं और 1 छक्का, और पिछली बाउंड्री जो आई थी वो तीसरे ओवर में आई थी, उसके बाद से कोई भी बाउंड्री देखने को नहीं मिली है। हेमंत पुंडे आक्रमण जारी रखते हुए पहली गेंद पर कवर्स में खेलते हुए सिंगल, विकेट मेडन के साथ शुरुआत की हेमंत पुंडे ने अपने स्पेल की, और आज बहुत ही किफ़ायती गेंदबाजी की है। बैकफुट पर जाकर खेला है, फील्डर को बीट नहीं कर पाए। यहाँ से ज़रूर दोनों भी बल्लेबाज हो सकता है कि आक्रामक बैटिंग करने का प्रयास करे। जा प्रयास तो हुआ है लेकिन लीडिंग एज गेंद दबाव में, ओ दो खिलाड़ियों के बीच में जाकर गिरी है। किस्मत वाले रहे हैं बल्लेबाज विवेक कुमार यादव। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास लेकिन आगे वाला किनारा लगा था, जहाँ खेलना चाहते थे वहाँ खेल नहीं पाए थे। ये देखिए अब की बार भी आक्रमण करने का प्रयास था, काफी जगह बनाई थी लेकिन पूरी तरह से चूक गए। जोरा दबाव बनता जा रहा है लगातार बल्लेबाजों पर, और ऐसे में ऐसे लगता है कि विकेट भी कहीं ना कहीं पकाया जा रहा है और विकेट का स्वाद चख सकते हैं गेंदबाज, क्योंकि बल्लेबाज भी यहां से और ज्यादा देर तक खामोश नहीं रह सकते हैं, क्योंकि जो आस्किंग रेट है वो लगभग 12 को छू रहा है। स्मैश किया है इस बार बॉलर के सिर के ऊपर से, और ये आता हुआ ओमी सोल प्राइवेट लिमिटेड चौका। काफ़ी देर बाद ये बाउंड्री आई है और बिल्कुल सुरक्षित इलाके में शॉट खेला गया है बॉलर के पीछे, ओवर द बॉलर सेड, वन बाउंस चौका संदीप जोरा के बल्ले से। सख्त ज़रूरत थी इस बाउंड्री को और इस तरह के कुछ और शॉट्स अब चाहिए नेपाल टीम को। चौके के साथ अर्धशतक भी पूरा हुआ नेपाल का, 11 ओवर्स के बाद 52 पर 4, 9 ओवर्स में 105 रन बनाने हैं। मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। इसके बाद कुशल मल्ला का आना बाकी है, उसके बाद हम देखें तो बहुत अधिक बल्लेबाजी नहीं है, इसलिए ये दो बल्लेबाज पिछले कुछ समय से काफ़ी खामोशी से बैटिंग कर रहे थे। और फुल टॉस बनी इस बार ऑन साइड में, सामने बढ़िया शॉट स्ट्रेटिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, एक और चौका। लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद जरूर थे लेकिन उस फील्डर को अवसर दिया ही नहीं। ओमी सोल प्राइवेट लिमिटेड चौका अब की बार विवेक कुमार यादव के बैट से, लो फुल टॉस थी। ओहो यहां पर मौका था जरूर ऐसे लगता है, इससे पहले 2 बार डायरेक्टेड लगे थे लेकिन तब बल्लेबाज पहुंच गए थे। अब की बार निशाना चूक गया है फील्डर का, लेकिन विवेक कुमार ने सिंगल्स अच्छे ही लिए हैं इस पारी में अभी तक हम देखें तो, और पार्टनरशिप 28 रनों की हो चुकी है। रनों की गति को थोड़ा सा तेज कर दिया है ड्रिंक्स ब्रेक के बाद दोनों बल्लेबाजों ने। पिछले ओवर में एक बाउंड्री आई थी, इस ओवर की शुरुआत चौके से हुई है। पहली गेंद पर जब आपको बाउंड्री मिलती है किसी ओवर में तो उस ओवर को बड़ा बनाया जा सकता है। मोहित मोंगिया इस बार गैप में नहीं निकाल पाए हैं लेकिन सिंगल लेने में कामयाब, शॉर्ट थर्ड मैन और बैकवर्ड पॉइंट के बीच में से निकालने की कोशिश थी। मोहित की गेंदों में ज़्यादा कोई घुमाव तो नहीं देखने को मिला है, थोड़ा तेज़ भी डालते हैं। इस बार हल्का सा फ्लाइट दिया, ड्राइव कर दिया है डीप कवर की तरफ, फील्डर तैनात वहाँ पर, एक ही रन मिलेगा।
देखिए पहले 10 ओवर्स में काफ़ी धीमी गति से बल्लेबाजी हो रही थी, लेकिन 10 ओवर्स के बाद ड्रिंक्स ब्रेक हुआ, उसके बाद ज़रूर थोड़ी सी रणनीति बदली है बल्लेबाजों ने पारी को पेश करते हुए। ओहो हो, अच्छी गेंद थी ये, थोड़ी देर हवा में भी थी लेकिन फील्डर तक कैरी नहीं हुई, लीडिंग एज लगा था 8 रन आए इस ओवर से 60 पर 4। देखिए थोड़ा जब धीमा डालते हैं स्पिनर्स तो वहाँ पर ज़रूर गेंद घूमती हुई दिखी है इस मैच में भी, और कल के मैच में तो काफ़ी स्पिनर्स को मदद मिली थी। युवराज सिंह झाला ने ज़बरदस्त स्पेल डाला था गुजरात के लिए, 4 ओवर्स में 15 रन देकर 4 सफलताएं प्राप्त की थी भारत के स्पिन गेंदबाज ने। 48 गेंदों का खेल यहाँ से बचा हुआ है और 97 रनों की आवश्यकता है। ये पार्टनरशिप निश्चित रूप से खतरनाक साबित हो सकती है, भले ही धीमी गति से शुरुआत की है दोनों बल्लेबाजों ने, लेकिन बड़े शॉट्स खेलने की काबिलियत रखते हैं, पारी को पेस करने की काबिलियत रखते हैं, और बाद में कुशल मल्ला का आना बाकी है जो कि हिटमैन है नेपाल के। बढ़िया गेंद थी, ये स्वीप लगाना चाहते थे। इस बार हवाई फायर किया है और ये जाएगी मैदान के बाहर, ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड मैक्सिमम संदीप जोरा के बैट से। बड़े शॉट्स खेलने के लिए ज़रूर थोड़ा समय लिया है संदीप ने। यहाँ पर देखिए हेमंत की भी गेंदें जो है वो लगातार राउंड द विकेट से अंदर की तरफ लेकर आने का प्रयास कर रहे हैं, वो थोड़ा तेज़ किया, थोड़ा सा पीछे भी रखा, इस बार खेल दिया है लॉन्ग ऑन की जानी, पर 1 रन ज़रूर मिलेगा। क्रीज के कोने से गेंदबाजी करते हुए अच्छा ड्राइव, लेकिन इस पर कोई रन नहीं मिलेगा क्योंकि गैप में नहीं खेल पाए थे। विवेक कुमार थोड़े से हताश, थोड़े निराश नज़र आते हुए क्योंकि बल्ले के बीचों बीच लेकर खेला था इस दफ़ा, लेकिन अच्छे शॉट पर जब रन नहीं मिलता है तो ज़रूर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन तो रहता भी है। यहाँ पर सिंगल आराम के साथ मिल जाएगा, हर ओवर में अब एक बाउंड्री अर्जित कर रहे हैं ये बल्लेबाज। 11वें ओवर में एक चौका, 12वें ओवर में भी एक चौका आया था, और इस ओवर में एक छक्का संदीप जड़ चुके हैं, ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए लेकिन डीप में खेलने में कामयाब। लॉन्ग ऑन की तरफ एक और सिंगल, 9 रन आए इस ओवर से। हेमंत का स्पेल समाप्त हुआ, 4 ओवर में 17 रन देकर 1 सफलता, 1 मेडन ओवर भी किया, जबरदस्त गेंदबाजी हेमंत पुंडे की आज के इस मैच में। 13 ओवर के समाप्ति पर 69 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर टीम नेपाल। लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को काफ़ी देखा गया है इस पूरे सीरीज़ में, तीनों भी टीमों के पास लेफ्ट आर्म स्पिनर्स देखने को मिले हैं। मोंगिया स्विच हिट का इस्तेमाल और निकाल दिया है इनफील्ड के ऊपर से, दर्शनीय स्ट्रोक संदीप जोरा के बल्ले से, 4 रन।
आज बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रोक मोंगिया ने भी खेला था, लेकिन अब उन्हीं की दवा उन्हीं को पिलाई जा रही है। गेंद ज़्यादा ख़राब नहीं थी, लेकिन ये बड़ा ही ज़बरदस्त स्ट्रोक इस बार स्वीप किया है। अच्छे नियंत्रण के साथ खेलते हुए संदीप जोरा काफ़ी खतरनाक नज़र आते हुए। 11वीं गेंद पर उन्होंने अपना पहला रन बनाया था इस मैच में, पहली 10 गेंदों में एक भी रन नहीं बना पाए थे। लेकिन आप देखिए ये पार्टनरशिप भी काफ़ी बड़ी बनती हुई, 45 की हो चुकी है, उसमें एक रन और ऐड कर दीजिएगा, 46 की हो चुकी है ये साझेदारी 5वें विकेट के लिए। संदीप पजोरा और विवेक कुमार यादव के बीच में 31 पर पहुंच चुके हैं संदीप, और 30 पर है बल्कि 16 पर विवेक कुमार। कदमों का इस्तेमाल, डाउन द ग्राउंड ऊंचा उठा दिया है, फील्डर जज तो कर रहे हैं लेकिन कोई फायदा नहीं, कोई मौका नहीं फील्डर के पास। शानदार छक्का, गियर्स चेंज करते हुए संदीप जोरा गेंद के पिच तक पहुंचकर सामने खेला, फलक बोस शॉट था वो। खर्चीला ओवर अभी तक ये मोहित मोंगिया का, देखिए थोड़ी जगह बनाई थी लेकिन बिल्कुल सामने खेला, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के बीच में से। फील्डर इंटरेस्टेड जरूर थे लेकिन उनके पहुंच से बाहर। इस बार पैट्स पर आती हुई गेंद, हल्के हाथों से टर्न किया है, एक और सिंगल, 14 रन आए मोहित मोंगिया के तीसरे ओवर से, और मैच अब बदलता हुआ नजर आ रहा है, खेल पलट सा गया है। 14 ओवर का खेल समाप्त, स्कोर 83 रन 4 विकेटों के नुकसान पर, लेकिन अभी भी मंजिल दूर ही नजर आ रही है नेपाल के लिए, क्योंकि 6 ओवर्स में 74 रन चाहिए लेकिन बनाए जा सकते हैं। जिस तरह से संदीप खेल रहे, खासतौर पर काफ़ी आकर्षक पारी उनके बल्ले से ये देखने को मिल रही है। 37 पर पहुंच चुके हैं, काफ़ी सेट हो गए हैं। विवेक कुमार भी बिल्कुल सेट बल्लेबाज अब कहे जा सकते हैं। कुशल मल्ला का आना बाकी है, एक और वो खतरा कहीं ना कहीं यहाँ से बड़ौदा के लिए, लेकिन फिलहाल इस जोड़ी को तोड़ना बहुत ही ज़रूरी बड़ौदा के दृष्टिकोण से। 12.33 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने की चुनौती, पार्टनरशिप 50 के पार पहुंच चुकी है, 54 रन नाबाद। रोमांचक स्थिति में है यह मैच, नेवर लेकर जया भाले। बॉलिंग चेंज किया गया है और पहली गेंद दिशा इन लेग स्टंप के थोड़ी बाहर वाइड, फील्डिंग की जमावट यदि हम देखें तो फाइन लेग ऊपर है, और इस गेंद पर यदि बल्ला लगता तो शायद बाउंड्री भी मिल सकती थी। डी बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात है, डीप मिड विकेट है और एक लॉन्ग ऑन है, ऑफ साइड में डीप कवर में एक फील्डर रखा गया है, थर्ड मैन बाउंड्री पर फील्डर है, बैकवर्ड पॉइंट सर्कल के अंदर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में फील्डर, और मिड ऑफ की दिशा में एक खिलाड़ी है। राउंड द विकेट से सीधे फील्डर के पास में ड्रॉप पर, ओ चगल चगल चगल, लेकिन आखिरकार कैच लपका गया है और विकेट की जो जरूरत थी उसको पूरा करते हुए जया भाले। गेंद शायद उनके चिन पर भी लगी है मुझे लगता है, जब गेंद हाथ से छिटकी थी, लेकिन अभिमन्यु ने गलती नहीं की है, कैच लपका गया है और पार्टनरशिप तोड़ने में कामयाब हुए जया भाले। राउंड द विकेट से चले गए, पहली गेंद उनकी वाइड रही थी, इस बार देखिए ऑन द राइज खेला लेकिन ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए थे, और पहले देखिए शरीर से भी टकराई, शायद वो सीने से लगी, फिर थोड़े से चोटग्रस्त भी हो गए हैं लेकिन कोई गंभीर मामला नहीं है, विकेट मिला है। मिड ऑफ ऊपर था और उसको क्लियर करने की कोशिश, तो एक रणनीति भी बनाई गई थी। इसमें जोखिम हमेशा रहता है जब आप लेंथ बॉल को सामने उठाकर खेलने का प्रयास करते हो।
या फिर थोड़ी सी बैक ऑफ लेंथ गेंद जब होती है तो उसको सामने खेलना इतना आसान होता नहीं है। 35 गेंदों में 73 रन चाहिए। और अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं बायात के विस्फोटक बल्लेबाज कुशल मल्ला। बड़ौदा के विरुद्ध पिछला मुकाबला काफ़ी अच्छा घटा था कुशल के लिए, 40 रनों की ज़बरदस्त पारी खेली थी उन्होंने। बड़े बड़े शॉट्स लगाए थे उस मैच में। एक ऐसे बल्लेबाज है जो शुरुआत से ही आक्रामक शॉट्स खेल सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जोड़ी है। अब यहाँ से और विकेट मिलती है तो निश्चित रूप से और मजबूत स्थिति में बड़ौदा टीम पहुंच सकती है। थोड़ी उछाल लेती हुई गेंद थी, बैकवर्ड पॉइंट फील्डर को ढूंढा है खुशाल मल्ला ने। अभी भी हालांकि हम करंट रन रेट यदि देखें तो वो 6 के नीचे है, लेकिन 10वें ओवर के बाद रनों की जो रफ्तार है वो काफ़ी बढ़ गई है। ऊपर गेंद रक्षात्मक तरीके से खेला है कुशल मल्ला, कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। लेकिन नया बल्लेबाज जब आता है क्रीज पर तो ज़रूर बॉलर को तो हमेशा यह लगने लगता है कि वहाँ पर आपका मौका है। लेंथ में परिवर्तन करते हुए कभी बैक ऑफ लेंथ रख रहे, कभी गुड लेंथ पर, कभी आगे गेंदों को पिच कराते हुए। जय अभाले 17 रन आए थे पहले ओवर में, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी रही है जय की। यहाँ पर जगह दे बैठे हैं लेकिन पीछे प्रोटेक्शन मौजूद है। अच्छा शॉट था ये, आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक कुशल मल्ला का। 1 रन से उन्होंने अपना खाता खोला है। टीम का स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 85 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। दिलचस्पी बनी हुई है इस मैच में। यूँ तो हम देखें तो सीरीज के लिहाज से ये डेड रबर है, लेकिन दोनों भी टीमें प्रयासरत है जीत के लिए। और ख़ास तौर पर बड़ौदा टीम, हम देखें तो पहले 3 मैचेस हार जाने के बाद इस मैच में काफ़ी ज़्यादा जोर लगा रही है। थोड़ी सी गति निकाल ली थी इस दफ़ा और बढ़िया स्टॉप, खुद गेंदबाज ने गेंद को रोका है। स्लोअर बॉल्स ज़्यादा इफेक्टिव रहे हैं डेथ ओवर्स की यदि हम बात करें तो। ध्रुव पटेल ने इस पारी में धीमी गति की गेंदों का इस्तेमाल किया है। जय भाले भी थोड़ा सा मिश्रण करते हुए अपनी गेंदों की गति में। 31 गेंदों में अब यहाँ से 72 रनों की आवश्यकता है नेपाल को। पैड पर टकराई ज़रूर है लेकिन यह एंगल जो है उनका, वो गेंद को निश्चित रूप से ऐसे लगता है कि लेग स्टंप के बाहर लेकर जा रहा था। लेकिन अच्छा ओवर समाप्त करते हुए जय अबाले 15 के बाद 85 पर 5 नेपाल। ऊपर भी लगी थी वो गेंद और निश्चित रूप से लेग स्टंप को मिस कर जाती। सिर्फ 2 ही रन खर्च किए पिछले ओवर में जय अबाले ने। और अब यह है समीकरण, 30 गेंदों में 72 रनों की दरकार। बहुत ही कठिन चुनौती नेपाल के बल्लेबाजों के समक्ष। संदीप 37 गेंदों में 37 पर बल्लेबाजी करते हुए। और अब बॉलिंग में एक और चेंज, प्रियांशु मौलिया को आक्रमण पर लाया गया है जो कि ऑफ ब्रेक गेंदबाज है। कल अच्छी गेंदबाजी की थी प्रियांशु ने, जो एक हल्का सा रफ था वहाँ पर गेंदों को पिच कराते हुए टर्न कराया था और बायात के बल्लेबाजों के विरुद्ध खास तौर पर काफ़ी कारगर साबित हुए थे। सोलहवें ओवर में गेंदबाजी के लिए लाया गया है प्रियांशु को। सामने बायात के बैट्समैन कुशल,
लो फुल टॉस उठाकर खेला है, लेकिन जो एलिवेशन चाहते थे वो प्राप्त नहीं कर पाए। डीप मिड विकेट मौजूद है, सिंगल लेकर नॉन स्ट्राइकर से इन पर चले गए हैं कुशल मल्ला। कल के मैच में साउथ एंड से अपनी गेंदबाजी की शुरुआत की थी प्रियांशु ने, और शुरुआत में उनके ऊपर आक्रमण भी हुआ था, लेकिन जैसे ही कप्तान नॉर्थ एंड से उनको लेकर आए तो वहाँ से काफ़ी प्रभावशाली गेंदबाजी की थी। इस समय भी नॉर्थ एंड से गेंदबाजी करते हुए स्विंग किया ऑन साइड में, बड़ा शॉट और फील्डर के ऊपर से, ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड मैक्सिमम। संदीप जोरा को रोकना इस समय काफी मुश्किल लग रहा है। सीधी गेंद थी और ऑन साइड में उठाकर खेला, अक्रॉस द लाइन फिर से उठाया है, इस बार मिस टाइम कर बैठे हैं। डिप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी गेंद के नीचे और जबरदस्त कैच, लेकिन देखना है ये नो बॉल है। जी हाँ, इसीलिए तो कैच करने के बाद तुरंत गेंद को थ्रो किया गया था। फील्डर ने आवाज सुन ली थी वहां पर अंपायर की, उनके साथियों ने भी उनको कॉल किया ही होगा कि ये नो बॉल है, आपको तुरंत थ्रो करना है। ओ, ये कितनी बड़ी भूल साबित हो सकती है प्रियांशु मौलिया की। जहा फुट फॉल्ट है वहां पर, और अगली गेंद रहेगी फ्री हिट। अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ते हुए इस समय संदीप जोरा, फ्री हिट है और शायद हो सकता है कि इसी गेंद पर वो अपना अर्धशतक पूरा करे यदि मैक्सिमम आता है तो। और अब प्रियांशु के पास क्या विकल्प है, क्या वो यॉर्कर डाल सकते हैं? या फिर थोड़ा दूर डाल सकते हैं ऑफ स्टंप के बाहर, आर्क में आएगी गेंद तो संदीप बख्शने वाले नहीं है। नेपाल के फैंस आज भी अच्छी संख्या में मौजूद है और काफ़ी शांत थे पिछले कुछ समय में, क्योंकि शुरुआत काफ़ी निराशाजनक रही इस रनचेज में, लेकिन अब शोर मचाते हुए नेपाल के फैंस। स्टंप्स को व्यवस्थित कर रहे हैं अंपायर, नो बॉल पर कैच लपका गया था, लेकिन विकेट थोड़ी मिलता है आपको जब नो बॉल पर कैच लपका जाता है। फ्री हिट सामने खेल दिया है, गजब का शॉट और फील्डर को क्लियर करते हुए संदीप जोरा, 6 रन और इसके साथ ही अर्धशतक भी पूरा कर लिया है संदीप ने। जबरदस्त पारी, काफी धीमी गति से शुरू की थी ये पारी उन्होंने, पहली 10 गेंदों पर एक भी रन नहीं बना पाए थे, लेकिन अर्धशतक मात्र 40 गेंदों में पूरा किया है। 2 चौके लगाए हैं और 4 छक्के, ये चौथा सिक्सर। फ्री हिट गेंद थोड़ी तेज डाली हुई थी लेकिन बिल्कुल स्लॉट में गिरी हुई गेंद, और सामने प्रहार किया सीधे बल्ले से, बेहतरीन छक्का, बिल्कुल हाफ वाली थी ये। गजब की बल्लेबाजी संदीप जोरा द्वारा, और नेपाल का सैकड़ा भी पूरा हो चुका है इस सिक्सर के चलते। ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड मैक्सिमम, जबरदस्त तरीके से पेस किया है संदीप ने अपनी पारी को, एक यादगार पारी खेलते हुए इस ट्राई सीरीज में एसएमएस फ्रेंडशिप कप 2024। टर्न किया है ऑन साइड में आपकी बार, और ये कितनी सही सोच है प्रियांशु मौलिया को 16वें ओवर में गेंदबाजी के लिए लाना, ये भी एक सवाल यहाँ पर जरूर निर्माण होता है। गेंदबाजी में विकल्प काफ़ी है और काफ़ी अच्छी गेंदबाजी हुई है पहले 10 ओवर्स में खास तौर पर, लेकिन 10वें ओवर के बाद बल्लेबाजों ने गियर चेंज किए हैं और खेल भी बदल गया है। ज़बरदस्त गेंद, बहुत ही खूबसूरत गेंद थी ये, घूमी है, पूरी तरह से नतमस्तक हो गए थे उस गेंद के सामने कुशल मल्ला। राउंड द विकेट से ड्रिफ्ट हुई, थोड़ी अंदर आई और फिर टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ टर्न हुई है। इस बार रकट किया है, अच्छा शॉट जरूर था लेकिन 2 खिलाड़ियों के बीच में नहीं खेल पाए कुशल मल्ला,
कुशल मल्ला की शुरुआत भी थोड़ी धीमी है, 6 गेंदों में 2 पर बैटिंग करते हुए ओवर समाप्त हुआ। 17 रन आए प्रियांशु के ओवर से, 16 के बाद 102 पर 5 और बचे हुए 4 ओवर्स में चाहिए 55। आज एक नेल बाइटर कहीं ना कहीं ये देखने को मिल सकता है, जिस तरह से खेल आगे बढ़ रहा है उसको देखते हुए ऐसे ही लग रहा है आखिरी गेंद तक शायद संघर्ष देखने को मिले। 24 गेंदों में 55 रन चाहिए, 13.75 रन प्रति ओवर अब आस्किंग रेट। ज़रूर उसमें लगातार बढ़ोतरी होती चली गई है, पिछले ओवर में 17 रन आए और उसकी वजह से थोड़ा सा नीचे लाए हैं रिक्वायर्ड रेट को। संदीप जोरा और कुशल मल्ला के सामने ये रिक्वायर रेट उतना ज़्यादा मायने रखता नहीं है, पूरी काबिलियत है कि ये रन्स वो बना सकते हैं, इसीलिए इन बल्लेबाजों को आउट करना बहुत ही ज़रूरी है बड़ौदा के दृष्टिकोण से। ध्रुव पटेल गेंदबाजी के लिए आते हुए, स्ट्राइक संदीप के पास, 52 पर बैटिंग करते हुए। ध्रुव का छोर बदला गया है, अब साउथ एंड से गेंदबाजी करेंगे। जोरदार प्रहार बॉलर के बगल में से निकाल दिया और 4 रन, कड़क शॉट। लेंथ बॉल, थोड़ी धीमी गति से डाली हुई गेंद थी, आड़े बैट से प्रहार किया और बॉलर के बगल में से तेज शॉट खेला, 4 रन प्राप्त करते हुए संदीप। स्लोवर बॉल फिर से, इस बार हवाई फायर और फील्डर है, जबरदस्त कैच, अभिमन्यु सिंह ने कमाल कर दिया है और ये बहुत ही बड़ी सफलता ध्रुव पटेल अपने टीम को दिलाते हुए। संदीप जोरा एक बेहतरीन पारी खेलने के बाद पवेलियन की राह पर। बहुत ही बढ़िया बैटिंग करने के बाद संदीप आउट हुए हैं। नीलकंठ विकेट का पतन, 56 रन बनाए उन्होंने 43 गेंदों में। देखिए ये ज़्यादा धीमी गति से डाली थी और आगे रखी हुई गेंद थी, थोड़ा दूर भी रखा था और सामने फिर से प्रहार किया था, ऑफ कटर, पूरी तरह से टाइम नहीं कर पाए और ये मुश्किल कैच था, थोड़ा स्लाइड करते हुए ज़बरदस्त कैच लपका है कप्तान अभिमन्यु सिंह ने। बहुत ही बड़ा मोमेंट इस मैच में, सेट बैट्समैन आउट हुए हैं और अब यहाँ से 22 गेंदों में 51 रनों की ज़रूरत है। करण केसी नंबर 8 पर, कुशल मल्ला भी अभी हम देखे तो नए बल्लेबाज है, वैसे 6 गेंदें खेली ज़रूर है लेकिन अभी तक कुछ खास नहीं कर पाए हैं बल्ले के साथ इस पारी में, लेकिन खासम खास खिलाड़ी है और कभी भी वो पलटवार कर सकते हैं। 106 पर छठा झटका लगा है, करण केसी गेंदबाजी तो पूरे सीरीज में अच्छी करते आए हैं लेकिन यहां पर आते ही बल्ला घुमाया है, एक और कैच, ओ गलती होते होते रह गई, गलती होते होते रह गई और विकेट का पतन, करण आए भी और करण गए भी। पहली गेंद पर छक्का जड़ने का प्रयास था वहाँ पर करण केसी का, लेकिन पूरी तरह से मिस टाइम कर बैठे और परीक्षित पाटीदार थे गेंद के नीचे, मिड ऑन की दिशा में कोई गलती नहीं की उन्होंने, हालांकि गेंद
हाथ से छिटक रही थी लेकिन नीचे गिरने नहीं दिया और शून्य पर आउट हुए हैं करण केसी। अब केवल 3 विकेट्स बचे हैं। कुशल मल्ला को स्ट्राइक पर ला सकते थे, वो बेहतर चीज़ हो सकती थी करण के लिए और नेपाल टीम के लिए भी, लेकिन करण ने सोचा कि मैं यहाँ पर आक्रमण कर सकता हूँ, कोशिश की और नाकामयाब हुए। अब आए हैं प्रतीश, बायत से गेंदबाजी करते हैं लेकिन बल्लेबाजी दाहिने हाथ से करते हैं। गुलशन को हमने देखा जो दाहिने हाथ से गेंदबाजी करते हैं लेकिन बायत से बैटिंग करते हैं, ऐसे कई बड़े बड़े क्रिकेटर्स हमने देखे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। सौरव गांगुली को हमने देखा जो बायत से बैटिंग करते थे लेकिन जब गेंदबाजी करते थे तो दाहिने हाथ से करते थे। ध्रुव पटेल 2 विकेट चटका चुके हैं हैट्रिक पर। एक और अच्छी गेंद, इस बार रक्षात्मक तरीके से खेल दिया है इस हैट्रिक बॉल को। ये देखिए फिर से ऑफ कटर, बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑफ कटर्स डालते हुए। और ऑफ कटर जब भी डाले हैं तो अच्छी लेंथ पर डाले हैं ध्रुव ने। आज का मैच उनके लिए यादगार है, 29 रनों की शानदार पारी भी खेली और उन्हीं की पारी के चलते 150 का आंकड़ा पार किया। इस बार डायरेक्ट हिट करने का इरादा था लेकिन निशाना चूकता हुआ और 22 के रूप में 2 रन। साई मेकपन स्पोर्ट्स लाइव यूट्यूब चैनल पर इस टूर्नामेंट का सीधा प्रसारण दर्शकों तक पहुंचाया जा रहा है और इस ब्रॉडकास्ट की भी सराहना करनी होगी। ऑनलाइन व्यूवर्स काफ़ी ज़बरदस्त संख्या में इस पूरे सीरीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। डॉट बॉल के साथ ये सफल ओवर समाप्त होता हुआ, चौके के साथ ओवर की शुरुआत हुई थी लेकिन उसके बाद 2 करारे झटके दिए ध्रुव पटेल ने। 17 समाप्त, 108 पर 7 और अब बचे हुए 3 ओवर्स में चाहिए 49। Required rate is mounting up at 16.33 runs per over and there is the last ray of hope now for team Nepal. Kushal Malla, he's got the ability to hit big shots. Another change in bowling, Lakshit Toksia in his second spell and in his last over has bowled beautifully today. 3 overs, 2 wickets to his kitty and has conceded only 7 runs. Very economical today and very successful as well. But this is going to be important over for both sides. Kushal on strike, nicely bowled, just cutting back to the left-hander, turned away down to squarish mid-wicket and the batsman picks up a single. So now Pratish on strike, was that a wise thing from the batter Kushal Malla to take single of the first ball of the over? Hundred and nine for 7, just 17 deliveries left, and Nepal need another 48 runs to win this contest. Bowling from the north end, Lakshit Toksia. Now that's a nasty delivery. Try to swing it away down to leg side. I think that has hit on the helmet. One for the over. Good bouncer that. Good quick bouncer from Lakshit.
बॉल ब्रिलियंटली इन द पावर प्ले ओवर्स, यूज दैट न्यू बॉल सो वेल, गॉट द मूवमेंट, गॉट द एक्स्ट्रा बाउंस एज वेल विद द न्यू बॉल एंड नाउ विद द ओल्डर बॉल इज बॉलिंग वेल, टेक्स द एरियल रूट दिस टाइम, इट्स अ ग्रेट शॉट, इट्स अप एंड ओवर द बैकवर्ड स्क्वायर लाइक फॉर अ मैक्सिमम. Fantastic shot from Pratish GC. Bowler was looking for the Yorker there. Ended up on half volley and picked up nicely. Just behind square and over the fieldsman in the deep. Got the distance. Swing and miss this time. Length ball. This is good comeback delivery. So Pratish is swinging his bat on everything now. Just 14 balls remain now, another 42 runs to get. It looks quite difficult for Team Nepal. In the air, high in the air, bowler is underneath it and he takes it. That's a great catch, fantastic catch by Lakshit Toksia. And he picks up his third wicket. Pratish departs. Pratish, he's out for six. Hit one glorious six in this over, but after that, wonderful piece of bowling. And look at that catch. It was just back of length, got the extra bounce, hit high on the bat, and it was never easy for Lakshit. He turned around and look at that. Away from the body, but very well taken. Superb catch. Nepal have lost their eighth wicket at the score of 115. Equation, 13 balls and 42 to get. Certainly, it is very, very difficult, but not impossible at all. They still have Kushal Malla at the crease, who can be dangerous in last two overs. Akash Chand got the opportunity today. Bowled well, picked up a wicket in his last over, but now with the bat. In the air again, but this time over cover point. Oh, they were looking for that second run, but no chance for the batters, just a single. That means Akash will be on strike for the first ball of the new over. Two overs remain and Nepal need another 41 runs to win this match. 116 for it. बारह गेंदों में 41 रनों की आवश्यकता. बहुत ही ज़बरदस्त मौका है ये नेपाल को परास्त करने का. बड़ोड़ा के पास दो ही विकेट्स यहाँ से बचे हुए हैं, यानी कि ये मुकाबला जो है वो झुका हुआ है इस समय बड़ोड़ा के पक्ष में. लेकिन कुशल मल्ला उम्मीद की आखिरी किरण है. हालांकि उन्होंने इससे पहले जो एक सिंगल लिया था वहाँ पर भी एक सवालिया निशान बन गया था कि क्या उनको लेना चाहिए था. और पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर आकाश ने सिंगल लिया. ध्रुव पटेल एक और ओवर लेकर धीमी गति की गेंद से शुरुआत, डॉट बॉल से शुरुआत. आकाश चंद मूलतः गेंदबाज है. कुशल मल्ला जो है एक प्रमुख बल्लेबाज के तौर पर खेलते हैं और इसीलिए वो रिकग्नाइज बल्लेबाज क्रीज पर होने के बावजूद भी पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर सिंगल लेने की क्या वाकई में आवश्यकता थी. खैर अब आकाश को भी यहाँ पर शायद हाथ खोलने पड़ेंगे या फिर सिंगल लेंगे.
सिंगल के लिए खेले, टर्न कर दिया है डिप स्क्वायर लेग की तरफ, अब स्ट्राइक कुशल मल्ला के पास, लेकिन ये समीकरण कुशल के लिए भी बिल्कुल आसान नहीं है। भले ही उनका जो रेपुटेशन है वो एक हार्ड हिटर बैट्समैन का है, नेपाल के हिटमैन है, 10 गेंदों में चाहिए 40 रन। और ये मैच यहाँ से यदि कुशल मल्ला अपनी टीम को जिताने में कामयाब हो जाते हैं तो बहुत ही लंबे समय तक इस पारी को याद रखा जाएगा। ध्रुव की रणनीति काफ़ी सफल रही है, धीमी गति की गेंदों की, ऑफ कटर्स का अच्छा इस्तेमाल किया है उन्होंने अपने स्पेल में। आखिरी ओवर में है अपने ध्रुव पटेल, 14 रन देकर 2 विकेट्स अभी तक उनके खाते में। सामने लॉफ्टेड शॉट, यहां पर कैच बन सकता है, जी हाँ बन गया, जबरदस्त कैच, बहुत ही सुंदर कैच शाश्वत रावत द्वारा, और कुशल मल्ला भी पेवेलियन की राह पर। उम्मीद के अंतिम किरण बने हुए थे क्रीज पर नेपाल के लिए कुशल मल्ला, लेकिन आज कुशल का बल्ला खामोश रहा, 8 गेंदे खेली और सिर्फ 3 रन बनाकर पवेलियन की राह पर निकल पड़े हैं। जबरदस्त कैच, लॉन्ग ऑन पर फील्डिंग कर रहे थे शाश्वत रावत और काफ़ी दूरी तय करनी थी उनको अपनी दाहिनी तरफ, गिरने वाला ये 9वां नीलकंठ विकेट नेपाल की पारी में। देखिए फिर से ऑफ कटर डाला था भारत के बैट्समैन के लिए, वो लेग कटर आप कह सकते हो, सामने प्रहार किया था, शॉट अच्छा ही था, लेकिन शाश्वत की यहाँ पर तारीफ करनी होगी, बहुत जल्दी पहुंचे गेंद के नीचे, बहुत ही बेहतरीन कैच। अब अंतिम जोड़ी क्रीज पर है नेपाल की, और जीत की दहलीज पर इस समय बड़ौदा, बड़ौदा टीम की एक तरह से साख दाव पर लगी हुई थी इस सीरीज में, पहले 3 मुकाबले हारने के बाद, और आज उनके खिलाड़ियों ने दिखा दिया है कि ज़रूर ये सीरीज़ उतनी अच्छी नहीं गई है उनके लिए, लेकिन टीम बुरी नहीं है और किसी भी टीम को परास्त करने की क्षमता उनके अंदर भी है। ललित राजवंशी नंबर 11 ऑन स्ट्राइक, यॉर्कर का प्रयास था और इस बार नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी तेज़ गति से डाली हुई गेंद थी, लेकिन इस दफ़ा ओवर स्टेपिंग कर बैठे हैं ध्रुव पटेल, 3 सफलताएं अर्जित कर चुके हैं, और क्या कमाल की परफॉर्मेंस रही है इस मुकाबले में ध्रुव पटेल की। नकली गेंद जरूर फ्री हिट है, लेकिन बल्ले से आखिर के ओवर्स में धुआंधार बैटिंग ध्रुव पटेल की रही, 29 रनों की पारी मात्र 14 गेंदों में खेली, और गेंद के साथ भी कमाल किया है, उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले के बीचों बीच ले नहीं पाए हैं, लॉन्ग ऑन की तरफ सामने फील्डर मौजूद, वहां पर 1 ही रन मिलेगा इस फ्री गेंद पर, 119 रन 9 विकेटों के नुकसान पर, 9 गेंदों का मात्र खेल जो बचा था उसमें एक गेंद और कम हो गई है, पिछली गेंद सिंगल उस पर आया है, तो अब केवल 8 गेंदों का खेल बाकी है और 8 गेंदों में 38 रन चाहिए। संदीप जोरा आज बहुत अच्छा खेले, अर्धशतकीय पारी खेली उन्होंने, और उनके और विवेक कुमार के बीच में एक ज़बरदस्त साझेदारी हुई थी। विवेक कुमार आउट होने के बाद संदीप ने जरूर कुछ बड़े शॉट्स भी खेले, लेकिन फिर उनके आउट होने के बाद पूरी तरह से बैकफुट पर नेपाल। ओ व्हाट अ कैच, क्या अद्भुत कैच है ये, इस सीरीज का सबसे बेहतरीन कैच परीक्षित पाटीदार द्वारा, और इसके साथ ही ये मैच भी समाप्त होता हुआ, जीत लिया है इस मुकाबले को बड़ौदा ने, अद्भुत अकल्पनीय और अविश्वसनीय कैच, सामने की तरफ डाइव लगाते हुए ये कैच लपका है परीक्षित पाटीदार ने, आज कैचिंग कमाल की रही है बड़ौदा टीम की, और नेपाल की पारी सिमट गई 119 पर 19वें ओवर में, 157 का लक्ष्य था, 37 रनों से ये जीत दर्ज की है टीम बड़ौदा ने, 156 रन बनाए थे पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर्स में, बल्लेबाजी में शाश्वत रावत का योगदान काफ़ी अच्छा रहा, 31 रन, ध्रुव पटेल आज चमके बल्ले के साथ भी और गेंद के साथ भी, कमाल का ऑलराउंड प्रदर्शन, 29 रन भी बनाए और 4 सफलताएं भी अर्जित की, तो 37 रनों से ये मुकाबला जीता है टीम बड़ौदा ने, पॉइंट्स टेबल में आखिरकार खाता खोला, जरूर फाइनल
खेलने का मौका नहीं है, लेकिन आज वापसी करके दिखाई है बड़ौदा के खिलाड़ियों ने, और आने वाले समय के लिए ज़रूर इसे इस मैच से कॉन्फिडेंस मिलेगा बड़ौदा के खिलाड़ियों को। और ये पहली हार इस सीरीज़ में नेपाल के लिए, और फाइनल मुकाबला खेलने से पहले ज़रूर इस तरह का प्रदर्शन अपेक्षित तो नहीं था। हालांकि आज चार चेंजेस भी किए गए थे, और जब तक रंचेज में हमने देखा कि संदीप और विवेक कुमार खेल रहे थे तो वहाँ पर मैच बना हुआ था, लेकिन संदीप के आउट होने के बाद तो मैच लगभग हाथ से निकल गया। लेकिन काबिले तारीफ प्रदर्शन इस मुकाबले में बड़ौदा टीम का, हैंडशेक्स ऑल अराउंड। कुछ इस तरह से हुई थी शुरुआत रंचेज की शुरुआती ओवर्स में। दिशाहीन गेंदबाजी पहले ओवर में खासतौर पर जया माली द्वारा, और यह बहुत ही कमाल का फ्लिक शॉट खेला था, छक्के से खाता खुला था कुशल गुरदेव ने, फ्लाइंग स्टार्ट देने की उनकी कोशिश थी, लेकिन उनके पार्टनर आज अनिल कुमार पांडे जो जल्दी आउट में लक्षित की गेंदबाजी पर, लक्षित ने नई गेंद का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, पावर प्ले में गेंदबाजों ने ज़्यादा रन खर्च नहीं किए, और लगातार विकेट गिनती चली गई थी। नजर कुशल ने आक्रमण किया था, लेकिन ये देखिए ज़्यादा आक्रमक खेलने के चक्कर में टीम पैकर्स स्क्वायर लेग पर कैच आउट हुए, उसके बाद स्लीप में बहुत ही दर्शनीय कैच। पावर प्ले में ही चार विकेट गिरे थे, लेकिन उसके बाद जरूर मिडिल ओवर्स में अच्छा योगदान विवेक कुमार यादव और संदीप जोरा कर रहा था, अच्छी पार्टनरशिप भी रही थी। देखिए आज भी हालांकि मैच नेपाल टीम जीत नहीं पाई, लेकिन अपने दर्शकों को धन्यवाद करती हुई नेपाल की टीम, क्योंकि अच्छा सपोर्ट लगातार नेपाल के दर्शकों ने दिया है उनके खिलाड़ियों को। संदीप जोरा की बल्लेबाजी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रहा है इस मुकाबले में, आकर्षक शॉट्स के लिए इम्प्रोवाइज शॉट्स भी खेले, और सामने की दिशा में भी उन्होंने बड़े प्रहार किए, अर्धशतकीय पारी संदीप जोरा की, विवेक ने उनका अच्छा साथ दिया था, और देखिए आज कैचिंग अच्छी रही है खासतौर पर। वन फिफ्टी प्लस निश्चित रूप से चैलेंजिंग टोटल ही था, और उसको चीज नहीं कर पाई है नेपाल की टीम, 119 पर पारी सिमट गई। फ्री गेंद पर छक्का लगाकर अपना अच्छा तक पूरा किया था वहां पर संदीप जोरा ने। एंजॉय कीजिएगा ये हाइलाइट्स थोड़ी देर में, हम लौटेंगे आपके साथ पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ।
गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द एसएमएस फ्रेंडशिप कप 2024 सिक्स्थ मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी बिटवीन नेपाल एंड बरोडा. इट वॉज अ गुड गेम ऑफ क्रिकेट एंड इन द एंड बरोडा वन द मैच कंफर्टेबली. First win in the series for Team Baroda. Congratulations to Team Baroda on winning the match. I would like to call our guest for this presentation ceremony. Mr. Amit Desai, SMS Director, Mr. Snehal Kansara, Omisol Company Private Limited Director, Mr. Jawar Bhai Pathak, Deputy Sarpanch Bagwara, and BJP Valsad District Treasurer, as well as Mr. Praveen Balsara, Gujarat Cricket Association Senior Selector, and Mr. Kamlesh Bhai Patel, Ex-Deputy Mamlatdar. We welcome all our guests for this presentation ceremony. First award is the Super Force powered by Omisol Company Private Limited, and it goes to Mohit Mongia, and it will be given by Mr. Snehal Kansara. Mohit Mongia from Baroda, Omisol Company Private Limited Super Force into this match. Congratulations, Mohit. Second award is Super Sixes powered by Omisol Company Private Limited, and it goes to Sandeep Zora from Nepal. It will be given by Mr. Praveen Balsara. I request Sandeep Zora, please come forward and collect your award. Sandeep Zora batted beautifully today, hit half century, and is the Omisol Company Private Limited Super Sixes of the match. Congratulations, Sandeep. Third award is Best Delivery of the Match, powered by Musa and Fortune Group, goes to Karan KC from Nepal. It will be given by Mr. Kamlesh Bhai Patel. Karan KC, who bowled wonderfully well with the new ball in particular, about the best delivery of the match. Congratulations, Karan KC. And next award is Nilkant Game Changer of the Match, powered by Nilkant Group, and it goes to Dhruv Patel from Baroda. It will be given by Mr. Jawar Bhai Pathak. Congratulations, Dhruv Patel. And the next award is Man of the Match, powered by Sai Mekwan Sports Life. And goes to none other than Dhruv Patel. So I request Dhruv once again, please come and collect your Man of the Match award. I request Mr. Amit Desai to present the trophy and check. Excellent. All-round performance today, 29 runs of just 14 deliveries, and also picked up 4 wickets. Yes, Andhra, many, many congratulations. You bowled fantastic today, and also batted beautifully. Actually, your role, we all know that is
of bowler, but you perform both with the bat and ball. How it feels? It feels really good to contribute. Like the wicket was two pace, so I was just trying to use the variations and mix it up, and just trying to bat till the end. Nepal have a very good batting lineup, and what was on your mind when you came to bowl out? Well, I was just trying to trying to hit good lengths, and I wanted them to hit me good shots. Otherwise, that's it. Just stump to stump, and bowling good lengths and lines. First win the series, and how important it is for you and your team? Well, it's a morale booster for sure. Like we had lost three matches, and I think we showed good character today. And tell us something about the hospitality here and the overall organization of this tournament. I think it's really good. Like the pitches are really good, and good ground, lush outfield, really, really good facilities. Even the practice pitches are very good. So yeah. Thank you so much for talking to us, and once again, congratulations. So ladies and gentlemen, Dhruv Patel, man of the match in today's game. That's it from the presentation. I hope you enjoy the all coverage of today's game. And don't forget to watch the final match of this tri-series, SMS Friendship Cup 2024, on Sunday afternoon. Do join us right from 1 o'clock in the afternoon. Till then, take care, and it's goodbye from all of us.